हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। लेकिन एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक सिचुएशन शेयर करना चाहूंगी कि आप लोगों के पास में एक सिचुएशन है कि आप लोगों को न्यूज देखनी है दूरदर्शन से या फिर आज तक या किसी इंडिया टीवी और बहुत अच्छे किसी चैनल से जो 24 आवर्स चलता है, आप किससे देखना पसंद करेंगे। मे बी शायद 24 आवर्स चलने वाले किसी भी न्यूज चैनल को आप देखना पसंद करेंगे क्योंकि बड़ी मसालेदार न्यूज वहां होती है। लेकिन अगर आपको इंप्रूव करना हो आपका जीके फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, देन आपको करंट अफेयर्स एग्जैक्टली कहां से मिलेंगे? दूरदर्शन की न्यूज से। रीजन, वो एक घंटे में सेलेक्ट चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे हैव लिमिटेड टाइम 1 आवर। ओके, एंड 24 आवर के अंदर उनके पास में स्कोप रहता है अपनी न्यूज को खींचने का, तो उसको कितना भी लिपा पोथी हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये क्रैश कोर्स है वो भी बेस्ड है इसी चीज पे कि आपको जो चीजें बताई गई हैं वही नीट में पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में बायोलॉजी हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द नीट स्टूडेंट। आप क्यों इतना डिटेल में जाना चाहते हैं जो पूछा ही नहीं जाता है? तो आपको ये क्रैश कोर्स इसीलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आप टू द पॉइंट सेलेक्टेड स्टडी कर सके, आपको पता हो कि आपको यही चीजें पढ़नी है, इन्हीं चीजों को माइंड में रखना है। तो एक तरीके समराइज्ड फॉर्म है ये आपके पास में। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करेंगे। चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं अबाउट एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम का नाम आते ही हमारे दिमाग में पिक्चर आ जाती है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हिटरोट्रॉफिक मोड शो करने वाले, राइट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं एनिमेलिया। यानी कि आरएच विटेकर ने 1969 के अंदर हमें ये दे दिया था, ठीक है, उन्हीं ऑर्गेनिज्म की स्टडी आज हम करेंगे। अभी देखिए, ये जितने भी एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इनको डिफरेंट फाइलम, यानी 11 जो फाइलम है उनके अंदर रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, राइट। हम ये पॉरीफेरा टू कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, हम इसको इसी सीरीज में पढ़ेंगे। रीजन, इवोल्यूशनरी बेसिस, क्योंकि हर जो फाइलम के ऑर्गेनिज्म है वो कोई ना कोई करेक्टर वाइज, हम ये बोल सकते हैं उसका इवोल्यूशन जो है किसी, हम ये बोलते हैं कि फाइलम के ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो ये सीरीज आप ऐसे याद रखेंगे, बट क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे भी है, जैसे कि पोरीफेरा जिसको हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लेकिन इनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इवोल्यूशनरी बेसिस पे देखा जाए तो इसको हम ब्लाइंड फाइलम बोलते हैं। रीजन क्या है? रीजन, हमें पता ही नहीं है किसके आगे इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। वही अगर आप एनिलिडा को देखोगे तो एनिलिडा के बाद ऑर्थोपोडा एंड देन मोलस्क पढ़ते हैं, बट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ऑर्थोपोडा एंड मोलस्क दोनों ही जो है वो एनिलिडा से ही इवोल्यूट हुए हैं। एनिलिडा आगे जाके बाइफर्केट हो जाता है, बट ये सीरीज ऐसे ही दी है। रीजन, हम इसी तरीके से देखेंगे हमारे जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसे ही एडवांस लेवल में बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत आसानी से हम करेक्टरिस्टिक्स सारे कर डालेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या इनका बेसिस रहा है? तो देखिए, बेसिस जो रहा है वो रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इनके ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इसके देखिए क्या क्या हमारे पास में टाइप्स हो सकते हैं। ए सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। समझिए, ए सेलुलर का मतलब हुआ एक सिंगल, हमें बोलते थे सेल है जो किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करिए, जैसे कि प्रोटोजोन्स, उनके बारे में हम स्टडी यहां नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हायर लेवल पढ़ रहे हैं हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक फ्रॉम द सेलुलर, ठीक है। सेलुलर जो है वो किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल, कई सारी सेल्स हैं एक ग्रुप के अंदर है और हर सेल एक इंडिविजुअल सेल की तरह बिहेव करती है, ए बी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ सेल यहां पे होता है, या कोई भी सेल जो है वो अपना खुद का काम खुद कर सकती है, इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ सेल। जैसे कि हम है ना, हम हमारे ही देश में स्वतंत्र है कि नहीं, हमें बोलने की हर चीज की स्वतंत्रता है, हम हमारा काम खुद से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसी मतलब इसको अगर देखें तो स्टेट जो है एक इंडिया के अंदर हर स्टेट अपना काम खुद से करता है कि नहीं करता, इसको हम रिपब्लिक ही तो बोलते हैं। बट देखिए यहां पे हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेबर डिवीजन हमें देखने को मिलता है, हमारे अंदर हायर लेवल का लेबर डिवीजन है। अब प्रिमिटिव एंड हायर से आप क्या समझते हैं? प्रिमिटिव का मतलब ये आ गया कि टाइम आने पर ये सेल्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, ए बी में और बी ए में कन्वर्ट हो सकती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेलुलर, प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेबर डिवीजन, जो कि देखने को मिलता है सेलुलर टाइप के अंदर। इसी की वजह से रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है इनमें ज्यादा होती है सेलुलर टाइप में, यानी कि पोरीफेरेंस स्पंजेस जो है उनके अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है
कि रीजनरेशन पूछा जाए अगर आपसे मैक्सिमम रीजनरेशन कौन शो करता है, देन पोरीफेरा स्पंज शो करते हैं। रीजन रिपब्लिक ऑफ सेल है बट प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेबर डिवीजन है, वक्त आने पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम ये बोल देते हैं कि नई सेल्स जो है उनको फॉर्म कर सकते हैं ना, ऐसा हो जाता है ए बी में बी ए में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ऐसा है कि आरबीसी मरेगी तो आरबीसी ही मरेगी और डब्ल्यूबीसी अगर उसको देख रही है तो उसको देखती रहेगी। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूबीसी कन्वर्ट हो जाएगी आरबीसी में और उसके फंक्शन करने लगेगी, नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, हमारी जो है इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती। लेकिन होता क्या है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी को मरते हुए देखती रहती है जबकि एंड क्या होता है उसको भी पता होता है, लास्ट में मैं भी मर जाऊंगी। इसको बोलते हैं मोस्ट एडवांस लेवल, कहीं कहीं नुकसान भी है हमें। यहां पे देखो कितना फायदा हो रहा है इनको। चलिए, सेलुलर टिश्यू का मतलब हुआ कई सारे सेल्स जो है एक ग्रुप के अंदर इकट्ठी होती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। सिलेंट्रेट्स के अंदर और टीनोफोरा के अंदर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म हो सकते हैं ना, कई सारे टिश्यूज मिलते हैं, एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यूज ये सारे मिलते हैं और ऑर्गन फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोल रहे हैं ऑर्गन लेवल। किसके अंदर देखने को मिलता है हमें ये, हमें प्लेटी हेलमेंथीज एंड एसके हेलमेंथीज के अंदर देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने प्लेटी हेलमेंथीज एंड हायर फाइला लिखा है, आप समझ जाइए ना कि वो हायर फाइला क्या है, एसके हेलमेंथीज, क्योंकि एनेलिडा 2 कॉर्डेट्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम में लिखे गए हैं। एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप देखेंगे। ऑर्गन सिस्टम का मतलब हुआ कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करे, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं, क्या है, स्टमक है, एलिमेंट और इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, हमारी बक्कल कैविटी में भी अगर देखेंगे तो टंग है, टिथ है, ठीक है। तो हमारे सारे बॉडी के अंदर इसमें कई सारे हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, कई सारी ग्लैंड्स हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है, वो किसमें देखने को मिलेगा, एनेलिडा 2 कॉर्डेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है, जैसे कि हार्ट जो होता है वो अगर ऑर्गन है तो अगर एट्रियम की बात करें या वेंट्रिकल की बात करें तो वो क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकली देखें तो वो टिश्यू है, क्योंकि टिश्यूज मिलते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो ये लॉजिक वाली बात होगी, तो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास में एग्जांपल भी है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब ये हो सकती है कंप्लीट या इनकम्प्लीट, एनसीईआरटी ने यही दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे। डाइजेस्टिव ट्यूब एक ऑर्गन हुआ और अगर आप देखेंगे अगर उसके अंदर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। ये कंप्लीट है जिसमें माउथ भी है एनस भी है, माउथ से फूड अंदर जाता है और एनस से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है बाहर निकलता है। चलिए, कंप्लीट किसमें है, एसके हेलमेंथीज 2 कॉर्डेट्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है और इनकम्प्लीट यानी केवल माउथ ही जो है वही बिहेव कर रही है, किसकी तरह, माउथ एनएस की तरह, यहीं से फूड जो है अंदर जाता भी है और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर भी निकलता है, बट ये है माउथ एनएस की तरह बिहेव कर रही है, एनएस नहीं है। ये जो है किसमें मिलती है, इनकम्प्लीट प्लेटी हेलमेंथीज में। इससे पहले क्यों नहीं लिखा, एलिमेंट्री, ये आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब है क्या, ऑर्गन, और यहीं पे तो क्या मिल रहे हैं हमें, ये जो इनकम्प्लीट जो है यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रही है। ऑर्गन जो है फॉर्म प्लेटी हेलमेंथीज से ही हो रही है, उससे पहले तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर पढ़ पाएंगे तो। चलिए, सिमेट्री, देखिए वो ऑर्गेनिज्म जिनको किसी भी प्लेन से कट किया जाए बट हमें कोई भी इक्वल हाफ नहीं मिलता, ऐसे ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। एग्जांपल अमीबा, मोस्ट ऑफ द स्पंजेस एंड स्नेल। मोस्ट ऑफ द स्पंजेस इसलिए लिखा क्योंकि ल्यूकोसुलेनिया एंड साइकिन, ये इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। स्नेल जो है वो एक्चुअल में टॉरिजन शो करता है, घूम जाती है, तो जो एडल्ट होता है उस टाइम पे वो भी क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है। सिमेट्रिकल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में 4 टाइप है, एनसीईआरटी ने रेडियल एंड बाइलेटरल दिया है, मैंने 2 और ऐड किए। रीजन, स्फेरिकल सिमेट्री यानी कोई ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल शेप का, उसको किसी भी प्लेन से कट किया जाए उसके सेंटर से होते हुए तो हमें हर बार 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। एग्जाम्पल सन एनिमल क्यून एंड रेडियो लेरिया प्रोटोजोन्स है ये। चलिए, रेडियल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि उसके टॉप टू बॉटम अगर हम उसके सेंटर से होते हुए अगर हम उसको कट करते हैं तो हमें हर बार 2 इक्वल हाफ मिलते हैं, किसी भी प्लेन से कट किया जाए। अगर मेरे को यहाँ से सेंटर से कट किया जाए, रेडियल सिमेट्री अगर मैं शो करती होंगी तो होगा क्या, इस तरह से हर एक 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 डिग्री से भी कट करो या आधा आधा डिग्री से भी कट करो तो मुझे बहुत सारे ऐसे प्लेन हो सकते हैं जिसमें कट किया जा सकता है, अगर मैं रेडियल होती बट मैं बायलेटरल हूँ। चलिए, हाइड्रा के अंदर ऐसा ही होता है ना, हाइड्रा जो है उसको किसी भी प्लेन से कट किया जाए वो इसी तरह से शो करता है। तो एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, निडेरिया, क्योंकि हाइड्रा इसी में आता है। स्टार फिश यानी कि एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, उनमें भी रेडियल है। बाई रेडियल सिमेट्री इज ए टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री, एक या दो प्लेन ऐसे होते हैं जो उसके हम ये बोलते हैं एपी एक्सिस यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस में उसको कट किया जाए, एक या दो ही प्लेन हमें मिलेंगे जिससे हमें 2 इक्वल हाफ उसके मिल जाते हैं। एग्जाम्पल सी एनिमोन एंड सी वॉलनेट, सी एनिमोन एंड सी वॉलनेट आ गया तो इसका मतलब आप समझ जाइए, ये तो आ गया हमारे निडेरिया में से, और सी वॉलनेट जो है ये आ गया हमारे टीनोफोरा, तो यानी इनमें बाई रेडियल है। बट अगर ऑप्शन में बाई रेडियल हो तो बाई रेडियल मार्क करिए, लेकिन अगर नहीं हो तो उस केस में आप रेडियल मार्क करिए क्योंकि बाई रेडियल रेडियल का ही टाइप है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसके सेजाइटल प्लेन
प्लेन से कट करें तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे। पहले तो सेजाइटल प्लेन समझिए। सेजाइटल प्लेन बोलते हैं ये हमारा इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस है और ये हमारा डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस है। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस के साथ साथ में, ठीक है, अगर हम उसको कट करते हैं इस तरीके से, और एपी एक्सिस जो है उसके भी साथ साथ चल रहा है ये, लेकिन ये एकदम मिड से कट हो रहा है, उसको हम सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। वैसे ये वर्टिकल प्लेन भी है, वर्टिकल तो लेकिन कहीं से भी हो सकता है, कितने भी आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हो उसको वर्टिकली बोलोगे, पर मिडल वर्टिकल प्लेन होता है उसको सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। तो अगर किसी को उसके सेजाइटल प्लेन से कट करे ऑर्गेनिज्म को, तो उसके दो इक्वल हाफ लेफ्ट एंड राइट पार्ट जो है लेफ्ट एंड राइट मिलेगा, तो उसको बायलेटरल बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखने हैं, पेटियल मंथिस टू कॉर्डेट्स के अंदर ऐसा होता है, प्लीज याद रखिए। चलिए नाउ जर्म लेयर, देखिए एम्ब्रियो स्टेज के अंदर जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, जो कि हम ये बोलते हैं कि आगे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है, टिश्यूज जो है, उनको फॉर्म करती हैं, ठीक है। अगर ये दो जर्म लेयर है तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, अगर ये तीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है। मीजोडर्म होगी तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। एग्जाम्पल याद रखिए, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एग्जाम्पल कौन आ जाते हैं, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, ये डिप्लोब्लास्टिक है, राइट। और प्लेटीहेलमिंथीस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये याद रखिएगा, यही चीज जो आगे आपको काम आएगी जब हम सिलोम के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए सिलोम किसको बोलते हैं, सिलोम वो कैविटी है जो मीजोडर्म से फॉर्म होती है और मीजोडर्म से लाइंड होती है। अगर ये सिलोम जो है वो किसी में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिलोमेट बोलते हैं, और मीजोडर्म से प्रेजेंट बनी होती है, हम उसको ढूंढ का रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे जहां मीजोडर्म होगी। मीजोडर्म जहां नहीं है वहां तो सिलोम की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो सिलोम के बारे में क्यों बात करनी, जहां मीजोडर्म है बट फिर भी वो सिलोम फॉर्म नहीं करी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को तो एसिलोमेट बोलेंगे। तो प्लेटीहेलमिंथीस क्या है, एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, बट इनमें सिलोम जो है नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। स्यूडोसिलोमेट किसको बोल रहे हैं, जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है बट वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, हर तरफ से चारों तरफ से मीजोडर्म से ओरिजिनेट नहीं है, उसको हमने स्यूडोसिलोमेट बोला है। एग्जाम्पल है एसके हेलमिंथीस। सिलोमेट हमने किसको बोला है, सिलोमेट का मतलब हो गया यानी कि ट्रू, जो हमने सिलोम की डेफिनेशन दी है दैट इज बिलोंग्स टू दीज ऑर्गेन दीज एनिमल्स। सिलोमेट का मतलब हुआ मीजोडर्म से ओरिजिनेट्स जो है कैविटी फॉर्म हो रही है बॉडी कैविटी, और मीजोडर्म जो उसे लाइंड भी है चारों तरफ से, उसको हमने सिलोमेट बोला। एग्जाम्पल एनिलिडा टू कॉर्डेट्स तक, सभी में ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेगमेंटेशन। देखिए ये तो हमें टाइप लेना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही कम जो है ऑर्गेनिज्म हमें सेगमेंटेशन जो है शो करते हैं। पर्टिकुलर फाइलम में अगर बात करें, सेगमेंटेशन का मतलब ये हो गया कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है वो सिमिलर इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर क्या होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड रहती है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। अभी देखिए इसको हम मेटामेरिज्म बोल सकते हैं, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि मेटामेरिज्म जो है ये शो कर रही है। स्यूडो मेटामेरिज्म का मतलब ये हो गया कि दिखने में तो सेगमेंटेड बॉडी लग रही है बट वो एक्चुअल में सेगमेंट्स है नहीं, उसको हम बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। अभी किसके अंदर प्रेजेंट है, ये देखिए आपका प्लेटी हेलमिंथीस के अंदर से हम लोग लेके आ गए हैं ना, टैपवर्म को उठा के लेके आए हैं, तो टैपवर्म जो है वो हमें नजर तो आ रहा है, ये देखिए आपका टीनिया सोलियम नजर आ रहा है हमें, लेकिन ये सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं सुडा मेटामेरिज्म। अगर लीच की बात करेंगे तो लीच एनिलिड्स का मेंबर है, एनिलिड जो है पर्टिकुलर फाइलम का नाम ही इसी बेसिस पे रखा गया, मेटामेरिज्म के बेसिस पे, बट लीच जो है उसमें भी सुडो मेटामेरिज्म ही मिलता है। तो याद रखिए इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, स्किप करना चाहे तो कर भी सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, बट फिर भी बता रही हूं, आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें। मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो गया, सेगमेंटेशन है, नेरिस एग्जाम्पल है यानी कि एनेलिडा से आ रहा है ये, यानी एनेलिडा के अंदर मेटामेरिज्म मिलता है। देखिए तीन ही फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, एक एनेलिडा में, एक ऑर्थोपोडा में, तीसरा कॉर्डेट्स के अंदर, किसी में इंटरनल है, किसी में एक्सटर्नल, और किसी के अंदर दोनों तरीके से है। जैसे कि एनेलिडा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरीके से सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अगर आप अर्थवर्म का डायग्राम देखेंगे तो उसको भी आप सेगमेंट्स उसके अंदर भी डिवाइड होंगे और बाहर भी होंगे, ये सेगमेंटेशन अंदर और बाहर दोनों तरफ से बॉडी जो है वो सेगमेंटेड ही है, एनेलिडा उसमें आता है। ऑर्थोपोड्स की अगर आप बात करते हो तो ऑर्थोपोडा जो है वो केवल इंटरनली ही क्या होते हैं, सेगमेंट होती है। कॉकरोच अगर आप बनाते हो तो कॉकरोच को इसी तरीके से बनाते हो, उनकी बॉडी जो होती है उसको ये हम बता देते हैं कि ये हीमोसिल से भरी होती है, हीमोसिल से फिल्ड बॉडी कैविटी मिलती है, सेगमेंट अंदर इंटरनली हम शो नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। किसके अंदर है, ऑर्थोपोडा के अंदर।
क्वाड्रेट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उनमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, जैसे कि आप लोग बनाते हैं ना बॉडी बनाने के लिए बाहर जाते हैं तो वो बाइसेप एंड ट्राई वो दिखाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पैक बन रहे हैं, 6 पैक, 4 पैक, 8 पैक, तो पैक वो नजर आते हैं ना वो ईंटों की तरह, वो क्या है, सेगमेंटेशन ही तो है हमारे, तो वो इंटरनल सेगमेंट हमें दिखाई दे रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या इंटरनली सेगमेंट है, तो क्वाड्रेट्स कैसे होते हैं, इंटरनली सेगमेंट होते हैं। तो तीन ही फाइलम में क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया, अगर आप लोगों को याद हो तो इन तीनों से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ये आप स्किप कर सकते हैं। चलिए नाउ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो एक्चुअल में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मेशन मेसोडर्म से, अभी आप नोटोकॉर्ड को पढ़ते हो तो सपोर्ट के लिए पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं सपोर्ट है, नोटोकॉर्ड जो है आगे वर्टिबल कॉलम में, जैसे हमारी कन्वर्ट हो गई ये बाहर की तरफ है, तो हमें क्या लगेगा ये तो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई होगी, नहीं ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, है ना, ये दिख रही है हमें, हमें फील हो रही है पर हम बोल देते हैं ऐसा। ये देखिए डायग्राम भी हम एनसीईआरटी से लेके आए, इसमें अगर आप देखोगे तो नर्व कॉर्ड जो है ना वो है आपकी, ये देखिए नर्व कॉर्ड बाहर की तरफ है, तो नर्व कॉर्ड जो है वो है एक्टोडर्मी ओरिजिन उसका है, बट नोटोकॉर्ड उसके अंदर प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं मेसोडर्मली ओरिजिनेट होती है, और ये फिर बाद में क्या होती है कन्वर्ट कर जाती है इसी को नर्व, इसको पूरी नर्व कॉर्ड को इस तरह से चारों तरफ से घेर लेती है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं कि हाँ ये नोटोकॉर्ड जो है वो कन्वर्ट होगी वर्टिबल कॉलम के अंदर स्पाइनल, फिर ये जो नर्व कॉर्ड है ये हमारी क्या होती है इसको पूरी स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर लेती है, तो फील तो हमें हमारी क्या हो रही है नर्व कॉर्ड ही, सॉरी नोटोकॉर्ड ही हो रही है, तो हमें लगता है कि वो एक्टोडर्म ओरिजिन है बट उसका ओरिजिन क्या है मेसोडर्मल है। चलिए क्लियर होगी बात। फिर ये डॉर्सली लोकेटेड होती है, बट ठीक है इससे भी ज्यादा डॉर्सली लोकेटेड नर्व कॉर्ड होती है, अगर एम्ब्रियन आप देखें ये स्टेज के अंदर, ये कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है, इसे समझाने के लिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। तो नोटोकॉर्ड जिसमें होगी उनको कॉर्डेट्स बोलेंगे, जिनमें नहीं होगी उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, पोरीफेरल टू हेमिकॉर्डेट्स सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स के अंदर हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स आ जाते हैं और उसके अलावा वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। प्रोटोकॉर्डेट जो है इनके अंदर कंडीशन हमें देखने को मिलेगी नोटोकॉर्ड या तो पूरी लाइफ में होगी या फिर हो सकता है कि केवल लार्वल स्टेज के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स जो है उनके अंदर ये जो है आपकी नोटोकॉर्ड ये वर्टिबल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर इससे देखिए रेडियल सिमेट्री अकर्स इन, रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है, एग्जांपल्स ऑलमोस्ट सारे हम लोगों ने देखे हैं। तो देखिए फिशेस जो है कॉर्डेट्स है, इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, मोलस्कंस के अंदर भी कैसी होती है बायलेटरल, स्टार फिश इकाइनोडर्मेट है इनके अंदर क्या है रेडियल सिमेट्री होती है, स्पंजेस लिख दिया है तो जो मेन करेक्टर है वो तो हम ये लिखते हैं ना मोस्टली एसिमेट्रिकल है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे, मोर एप्रोप्रिएट क्या है स्टार फिश आंसर होगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। देखिए इसी तरीके से आसानी से कर लेंगे अगर एनसीईआरटी बेसिस पे जाएंगे तो। चलिए पोरीफेरा, पोरीफेरा ये डायग्राम साइकन यूप्लेक्ट ये जो है आपके स्पॉन्जिला का डायग्राम, यू स्पॉन्जिला का डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तीन ही एग्जांपल मेंशन है साइकन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। यहां से देखिए एक चीज याद रख सकते हैं, स्पॉन्जिला को हमने बोला है फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है, यानी कि हम लिखते क्या ये मोस्टली मरीन हैबिटेट के अंदर रहते हैं बट फ्रेश वाटर के लिए भी एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, इसीलिए तो उसका नाम ये है, और पर्टिकुलरली क्योंकि देखो बहुत कम स्पीशीज में देखने को मिल रही है तभी उसका नाम भी रख दिया है, ये कभी कभी देखने को मिलता है तो नाम रख देते हैं हम लोग, वैसे रख दिया गया है स्पॉन्जिला। चलिए आगे देखिए, अगर हम लोग इनके करेक्टर्स की बात करें तो स्पंजेस जो होते हैं इनको कॉमनली हम स्पंजेस कह रहे हैं, जनरली मरीन हैबिटेट के अंदर रहते हैं, इन्हें फ्रेश वाटर में देखने को मिल रही है स्पॉन्जिला, मोस्टली एसिमेट्रिकल है यानी कि साइकन जो है वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, प्रिमिटिव तो है क्योंकि लेबर डिवीजन भी प्रिमिटिव टाइप का मिल रहा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया है ये सारी चीजें। चलिए आगे, स्पंजेस है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, अगर करेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जाए स्पंजेस का क्या है तो उसमें पहला करेक्टर आपका यही आता है वाटर कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस। देखिए तीन ऐसे फाइलम है जिनके बारे में बड़ी क्वेश्चन मार्क था, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, इनको भी एनिमल किंगडम में नहीं रख रहे थे, आपके पोरीफेरेंस को भी नहीं रख रहे थे, सिलेंट्रेट को भी नहीं रखते रख रहे थे इनको, लेकिन इनको रखने का रीजन क्यों हुआ एनिमल में, तो इनका एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी वजह से इनको रखा गया एनिमल में, रीजन ये था कि जो आपके प्रोटोजोन्स हैं वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, हेटरोट्रॉफिक है, इसलिए उनको एनिमल सेल जो है एनिमेलिया में रख दिया गया, जब मोर्फोलॉजिकली स्टडी कर रहे थे तो देखा गया, तब उनके चीजों को ऑब्जर्व किया तब हमें समझ में आया, एंड लेमार्क ने ही ये जो है सारी चीजें बताई हमें। पोरीफेरेंस जो है इनको क्यों रखा गया, क्योंकि पोरीफेरेंस जो होते हैं एक्चुअल में ये वाटर कैनाल सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और सिलेंट्रेट्स के अंदर हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है, इस बेसिस पे हमने उसको रख दिया एनिमल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। अभी देखिए डायग्राम है ये स्पंजेस का, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इनकी पूरी बॉडी माइन्यूट स्पोर्स से कवर्ड प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट स्पोर्स जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं, इस वजह से ही इनको पोरीफेरेंस बोला गया। इनके अंदर एक बड़ा सा पोर होता है जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, और ये इनकी कैविटी है
जिसको हम स्पंजोसिल बोलते हैं। याद रखिए वाटर जो है वो ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है, स्पंजोसिल में आता है, देन स्पंजोसिल से ओस्कुलम से होता है बाहर निकल जाता है। तो वाटर का जो हमारे पास में हम ये बोलते हैं कि वे है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ये वाटर कैनाल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको क्यों बोला, क्योंकि इसका फंक्शन रहता है NERS। ये चार फंक्शन याद रख लिए, N से न्यूट्रिशन, E से एक्सक्रीशन, R से रेस्पिरेशन और S से रिप्रोडक्शन। ये चार फंक्शन जो है वो वाइटिन से रिलेटेड है, तीन तो वाइटल है इसलिए NCERT में मेंशन कर दिया है। S वाला जो है ये मैं ऐड करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि इनसे गैमेट ट्रांसफर भी होते हैं। ये एक्चुअल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक जो होते तो हर्माफ्रोडिट है, लेकिन ये प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है और जो मेल होते हैं वो स्पर्म्स जब भी आते हैं इनके पास में, इन्हीं वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर के थ्रू आते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ओस्टिया से स्पंजोसिल में, और जब स्पंजोसिल के अंदर पानी आएगा तो पानी अपने साथ में फूड भी लेके आ सकता है, गैसेस भी लेके आएगा, राइट? तो वो लेके आएगा तो यहां पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेल टू सेल एंड देन एक्सक्रीटरी मटेरियल को लेके यही वाटर जो है ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया है। तो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे स्पंजोसिल की जो लाइनिंग होती है उन पे फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको कॉलर सेल्स या फिर हम क्या बोलते हैं इनको, हम कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स। ये भी करेक्ट फीचर है। ठीक है, तो कोइनोसाइट सेल्स की प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिनका भी क्या है रोल बहुत सारा होता है। हम ये बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, फूड को अंदर लेती है सूडोपोडिया के थ्रू, एंड हम ये बोल रहे हैं कि यही सेल जो है आप हम ये बोल सकते हैं गैसेस का जो हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है वो सब भी चीजें जो है कोइनोसाइट सेल्स जो है इन्हीं से होता है। ये इसके अलावा ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है फ्लैजिलेटेड, इनको कॉलर सेल्स भी हम बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर कुछ पोरोसाइट सेल्स होती है जो पोर पे प्रेजेंट होती है, एक सिंगल ही होती है पोरोसाइट, एक पोर को एक सिंगल पोरोसाइट सेल जो होती है वो कवर करके रखती है। ठीक है, इनका जो स्केलेटन है, अगर स्केलेटन की बात करेंगे तो इनका स्केलेटन जब हम इन दोनों लेयर के बीच में बात करेंगे, ये जो दोनों लेयर है ये अंदर वाली लेयर है ये है कोइनोडर्म और ये बाहर वाली लेयर को पिनेकोडर्म बोलते हैं। इसके बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मीजोहाइल। मीजोहाइल कोई एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, ये कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा रिलीज की भी हम ये बोलते हैं कि लेयर होती है। तो आप इस चीज पे ध्यान रखिए कि मीजोहाइल जो है दैट इज नॉट ओरिजिनेटेड बाय मीजोडर्म। ठीक है, बट इसके अंदर स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका जो स्केलेटन फॉर्म करते हैं, और ये जो होते हैं स्पीक्यूल्स एंड हम ये बोल रहे हैं जिनकी बात करें स्पॉन्जिन्स की फाइबर की, तो स्पीक्यूल्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका के बने हो सकते हैं दोनों के ही। तो आप याद रखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जो इसके अंदर हम स्पीक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं स्पीक्यूल जो होते हैं वो मोनो एक्सोन जो है इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी सबके अंदर मोनो एक्सोन स्पीक्यूल तो जरूर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये जेम्यूल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इंटरनल बर्ड है, इसमें भी आपको स्पीक्यूल्स जो है मोनो एक्सोन ही नजर आ रहे हैं। ये जो बर्ड होती है ये अगर मैं पोरीफेरा को इस तरीके से बना दूं तो ये हम ये बोल देते हैं कि इनके जो ये मीजोहाइल वाला एरिया उसमें इस तरीके से कई सारी इंटरनल बर्ड फॉर्म हो जाती है जिनको जेम्यूल्स बोलते हैं। और ये जो है ये क्या करती है, जब हम बोलते हैं वर्स्ट कंडीशंस रहती है उस कंडीशन में ये जेम्यूल जर्मिनेट होके न्यू स्पंज को फॉर्म करती है। ठीक है, ये आर्कियोसाइट सेल्स हैं, ये टोटिपोटेंट नेचर की सेल्स होती हैं जो कि नए हम ये बोलते हैं कि वही इंटरकन्वर्टेबल वाला नेचर शो कर रही है। आर्कियोसाइट्स फिर क्या करती है, पूरा का पूरा स्पंज बनाने की कैपेसिटी रखती है, तो इन जेम्यूल्स में वही आर्कियोसाइट सेल्स भी होती है। ठीक है, तो वही आपके देखिए एनसीईआरटी में मेंशन चीजें हैं, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, सेक्स इज नॉट सेपरेटेड, ठीक है, हर्माफ्रोडिट कंडीशन है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, सेक्सुअली गैमेट्स के थ्रू हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा स्टेजेस इसमें आती है बिल्कुल, जो कि मोर्फोलॉजिकली एकदम डिस्टिंक्ट है। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, अगर आप लोग देखेंगे तो इनका अगर इनके लार्वा के बारे में एम्फीब्लास्टुला एंड पेनिटुला लार्वा अगर आप देखेंगे तो वो उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी इस तरह से डिफरेंट सी होती है, होलोड स्ट्रक्चर एंड देन चारों तरफ से सीलिया से कवर्ड रहते हैं। और अगर हम इसके अंदर देखें तो ये इस तरीके से सीलिया द्वारा कवर्ड है और पूरा का पूरा ये इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है। तो थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहती है मेन स्पंज से, कहाँ वो माइन्यूट पोर से घिरा हुआ ओस्टिया से घिरा हुआ स्पंज और कहाँ ये आपका एम्फीब्लास्टुला। तो आप देखेंगे तो लार्वा जो होती है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिलती है, इसलिए ये लाइन लिखती है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते क्वेश्चन, इन केस ऑफ पॉलीफेरेंस द स्पंजोसिल इज लाइन विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल, आपको पता है क्या है भाई, कोइनोसाइट सेल्स है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए करेक्टरिस्टिक फीचर है, मेसेनकाइमल नहीं होती है ये। मेसेनकाइम की हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथीज में जब जाएंगे, वहां हम मेसेनकाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। चलिए, सिलेंट्रेट्स जो है निडेरिया जिनको हम बोल रहे हैं, एग्जाम्पल्स याद रखिए फाइजेलिया, पेनिटुला, एडेम्सिया, सी फैन,
मियनड्रियाना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। मियनड्रियाना तो बहुत ही अच्छा मतलब कि कहते हैं ना एग्जाम्पल है मियनड्रियाना, वो फ्लोटिंग जिसको स्टोन बोलते हैं ना, जब राम सेतु बना था और जिसमें वो पत्थर तैर दिया था, ये वही पत्थर है, ठीक है। मियनड्रियाना याद रखिए इनको। एग्जाम्पल ओरिलिया, एडेम्सिया एंड हाइड्रा, ये सारे एग्जाम्पल भी आप लोग स्ट्रक्चर के वाइज ध्यान रखिए, क्योंकि इनके अंदर देखो ना यहाँ पॉलिप स्टेज है और यहाँ मेड्यूसा है ना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। इनके बारे में हम बात करेंगे इनके लाइफ साइकिल में। चलिए सिलेंट्रेट के अंदर आ जाते हैं। देखिए सिलेंट्रेट जो है निडेरिया, इनके अंदर एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर है नीडोब्लास्ट सेल्स की प्रेजेंट, जिनको नीडोसाइट्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में क्या होती है, एक सिंगल, हम ये बोलते हैं कि एक सेल होती है सिंगल, जिनके अंदर क्या होता है एक्सटिंक्ट प्रेजेंट होता है, जिससे ये फेंक के मारती है, और हम कहते हैं कि उससे ये पकड़ने का काम भी करती है, किसी भी चीज से सबस्ट्रेटम से अटैच होना था वो काम भी ये करती है। तो ये आपकी वही देखिए हम ये बोले नीडोब्लास्ट सेल्स है। अगर नीडोब्लास्ट सेल के अंदर देखोगे तो इसके अंदर खुद के अंदर देखोगे तो एक नीमेटोसाइट सेल्स होगी, ठीक है, एक सेल के अंदर एक सेल है। बट अगर इस चीज को कंपेयर करो तो वो ट्राइकोसाइट सेल्स जो होती है प्रोटोजोन्स के अंदर, अगर आप लोगों ने बनाया होगा इस तरह से पैरामीशियम जिसमें कई सारी उसके चारों तरफ इस तरह से ट्राइकोसिस सेल्स बनाते हो जो उसको हेल्प करती है किसके अंदर, आपके खुद की प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये तो क्या है, एक सेल में कई सारी सेल है, यहां देखेंगे तो एक सेल के अंदर एक ही सेल है निमेटो, अगर यहां देखोगे तो एक सिंगल सेल है, इसका न्यूक्लियस है नीडोसाइट सेल का, इसके अंदर ये आपका स्ट्रिंग है जो इस तरह से क्या होता है स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ रहता है, और जब इसको मारना होता है तो ये फेंक के मारती है। इसका काम क्या है, एंकरेज का, डिफेंस का, ठीक है, और किसी भी अपने हम ये बोलते हैं शिकार को पकड़ने का, कैप्चरिंग द प्रे। चलिए नाउ आगे एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है। फ्रेश वाटर के अंदर हमें हाइड्रा मिलता है, फ्री स्विमिंग करती है, रेडियल सिमेट्री शो कर रही है, बायरेडियल भी शो करती है, ठीक है। इसी के साथ में आप देखिए टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम सारी बात कर रहे हैं। डाइजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन कर रही है। रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इनकी बीच की कैविटी जो होती है उसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन, तो सिलेंट्रॉन की प्रेजेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोवेस्कुलर होती है क्योंकि डाइजेशन इसके अंदर भी होता है, चूंकि ये देखिए डाइजेशन का काम कर रही है इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला है। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर तो है ही। पहली बार नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यही करेंगे, रीजन ये क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, और आप जब देखेंगे इनके बीच में अगर इनकी अगर हम बात करें कि इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म है, तो इसके बीच में यहां पर हम ये बोलते हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके हम ये बोलते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं गलत है, नर्व बोल सकते हैं, बट पहली बार बात यहीं पे होती है किसके अंदर, आपके निडेरियंस के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का इनके अंदर स्केलेटन होता है, कॉरल्स की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है वो इस तरीके से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कॉरल्स का फॉर्म करते हैं। तो न्यूजीलैंड के आसपास ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया जो है इन कॉरल से भरा हुआ रहता है, कोरेलियम रुब्रम मूंगा जिसको बोलते हैं वो भी क्या है यही तो है। चलिए अगर निडेरियंस के अंदर देखेंगे तो निडेरियंस जो होते हैं वो सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमर भी हो सकते हैं। अभी देखें मेड्यूसा स्टेज वाले तो क्या होंगे, फ्री स्विमर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर पॉलिप स्टेज वाले देखेंगे तो ये क्या होंगे, सेसाइल होंगे। अब ये क्या कर सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, पॉलिप एंड मेड्यूसा एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखिए पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, यानी ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है और ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट इसको ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि वहां पे डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड कंडीशन होती है, ठीक है, कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है और एक पूरी तरीके से हैप्लॉयड जो है स्टेज आती है, तब हम उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं प्लांट में अगर बात करें तो। ये ट्रू टाइप नहीं है बट फिर भी यहां पे हम इसको इसीलिए नया नाम देते हैं मेटाजिनेसिस, इसीलिए कहते हैं कि मेटाजिनेसिस है क्योंकि यहां पे एक पर्टिकुलर हम बोलते हैं स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रही है पॉलिप मेड्यूसा में, मेड्यूसा पॉलिप में, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो ये याद रखेंगे आप लोग, निडेरिया में यही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट क्या है भाई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यस यही तो है। इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल हाइड्रा के चारों तरफ, माउथ जो होता है हाइड्रा का उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोस्टोम, और इसके चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या रेडियस इमिट्री करने शो करने वाले का अच्छा करेक्टर है, वो 360 डायरेक्शन से फूड को कैप्चर कर सकता है, इनमें प्रेजेंट है बट वो करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, सब में ऐसा नहीं मिलेगा ना ये कंडीशन जो होती है ना टेंटिकल्स की प्रेजेंट जो है ये सबका करेक्टर नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम इसको करेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं ले रहे हैं, वो होगा गैस्ट्रोवेस्कुलर। सिलेंट्रॉन सबके अंदर प्रेजेंट होती है, पॉलिप स्टेज भी बोलती है बट सबके अंदर पॉलिप नहीं मिल रही है, और ऑल आर मरीन, ऑल आर मरीन नहीं है, जो हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है।
तो ये जो है आपका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसका आंसर होगा। चलिए टीनोफोरा, टीनोफोरा की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा छोटा सा है, इसके दो तीन मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है, आपको वही याद रखने, क्वेश्चन हमेशा वही पूछे जाते हैं। टीनोफोरा, इनमें भी सिलेंट्रॉन प्रेजेंट होगी। एक्चुअल में क्या है ये, अगर हम लोग देखें तो निडेरिया एंड जो आपकी टीनोफोरा, इन दोनों, ये दोनों ही सिलेंट्रेटा में ही आते हैं अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम जाएं तो बेसिस पे। बट एनसीईआरटी पूरा क्लासिफिकेशन नहीं देती है तो हम उतने डिटेल में नहीं जाते, तो इनमें सिलेंट्रॉन भी होती है। बट याद रखिए इनके अंदर क्या होता है, इनमें हमें 8 कॉम्प्लेट्स इस तरह से देखने को मिलती है। ये कॉम्प्लेट जो होती है ये फ्लैजिलेटेड होती है, जिनका काम क्या होता है, लोकोमोशन के अंदर होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जो है ये शो कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इनके अंदर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो टेंटिकल सबके अंदर होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। प्लूरोब्रैंकिया, ये आपको दिए गए एग्जाम्पल जिसके अंदर है, लेकिन बोरोय जो है, जो एग्जाम्पल अभी एनसीईआरटी ने हटा दिया, उसमें टेंटिकल्स नहीं थे, वो सिर्फ सीधी सिंपल ये एक ही स्ट्रक्चर थी, तो टेंटिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट है, इनको एसिलोमेट हम बोल रहे हैं, बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि इनमें तो डिप्लोप्लास्टिक है ना, मिजोडर्म ही नहीं है, तो इनको एसिलोमेट बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, बट ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, ना ही ये पूछा जाता है, पूछा यही जाएगा, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, केवल मरीन हैबिटेट में ही मिलते हैं। तो इनमें 8 कॉम्प्लेट्स मिलती हैं, टेंटिकल्स मिलते हैं, एग्जांपल इनको सी वॉलनेट भी बोलते हैं, सी गूसबेरीज भी बोलते हैं इनको, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, ये इसके एग्जांपल है। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन इनसे बनते हैं, वही पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में, कि ये अपनी लाइट जो है ना, अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं, तो वो कैपेसिटी इनके अंदर मिलती है, ये बॉडी से लाइट एमिट करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की जब आप बात करते हो तो यही एक फाइल है जिसके सभी मेंबर बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। इसके पहले अगर आपने कभी बात की होगी तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की होगी, ठीक है। तो जुगनू वगैरह के बारे में बात भी अगर हम करेंगे तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, किसी फाइला का एक हम ये बोल देते हैं मेंबर है, ये पूरा का पूरा फाइला ही क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, तो ये याद रखना है। चलिए इसके बारे में अगर हम वही टीनो जो है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है। डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होगा क्योंकि सिलेंट्रॉन है इनके अंदर, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो भी इनमें डेवलप होती है। इनके अंदर 2 ओपनिंग्स होती है, माउथ की एंड देन एनस की, और ये हर्माफ्रोडिक्ट है, सेक्सुअली ही केवल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट होता है। सिलिपिड लार्वा इनका होता है, ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है, बट ये आप लोग याद करना चाहें तो अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। चलिए नाउ द क्वेश्चन, Which of these शो बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जाम्पल देखिए पेनिटूला, गिफ्ट ऑफ जापान, यूप्लेक्टेला। देखिए गिफ्ट ऑफ जापान तो सिलेंट्रेट्स में से आ जाता है ना, इसकी स्टोरी भी आपको पता होगी क्या होता है, कि उसके अंदर ही क्या होता है आपके कैद हो जाते हैं श्रिम्प्स, है ना, और जब वो वहीं पे क्या होते हैं अपना पूरा जीवन निकालते हैं और उसी में मर जाते हैं, और वही वेडिंग गिफ्ट ऑफ हम जापान उसको हम बोलते हैं। चलिए तो प्लूरोब्रैंकिया सीधा सिंपल हमारा आंसर है, हमें पता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। चलिए प्लेटीहेलमिंथीज, तो प्लेटीहेलमिंथीज फाइलम जो है, अगर इसके वर्ड पे जाए तो प्लेट वर्ड आता है, तो उसी से समझ जाइए कि ये चपटे होते हैं, तो चपटे क्रीमी फ्लैट वर्म्स हम इनको बोलते हैं। प्लेटीहेलमिंथीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहां से हम ऑर्गन को बढ़ते हैं कि यहाँ ऑर्गन फॉर्म हो चुके हैं, यानी एक्सक्रिटरी ऑर्गन भी यहाँ फॉर्म होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछा गया। फ्लेम सेल्स जो होती है वो एक्सक्रिटरी ऑर्गन होती है, इसीलिए इससे पहले ऑर्गन के बारे में हमने बात नहीं की। हाँ हमने बात की टिश्यू के बारे में, नर्व के बारे में, जो सिलेंट्रेट में क्या होती है सबसे पहले हम लोगों ने वहीं पे बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना, नर्व्स होती हैं वहां पे, न्यूरॉन्स होती हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन। तो देखिए प्लेटीहेलमिंथीज जो है इसमें 3 ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं, टीनिया, फेस्यूला एंड प्लेनेरी, आपको यही याद रखना है। ये तीनों एग्जांपल याद रखेंगे तो इनके करेक्टर याद हो जाएंगे। हम बोलते हैं मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये दोनों देखिए एंडोपैरासाइट है, प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है, ठीक है। ट्रू रीजनरेशन इनमें देखने को मिलता है, प्लेन एरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फेसियोला एंटीनिया, इनको टैप वॉर्म या फिर हम ये लीवर फ्लूक बोल रहे हैं, तो नाम से ही समझ जाइए फेसियोला जो है इसको लीवर फ्लूक बोल रहे हैं, बट ये गाल ब्लेडर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों का डायग्राम अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है अगर आप देखोगे तो इनके अंदर क्या होते हैं, सक्कर एंड हुक जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। सक्कर जो होते हैं वो क्योंकि पैरासाइट है तो फूड को सक करने के लिए होस्ट से जो है ना इनमें सक्कर होते हैं, और हुक जो है ये अपने आप को कहीं
फिसल ना जाए उसके लिए ये हुक डेवलप कर लेते हैं। तो टीनिया जो होता है, टीनिया के हेड के ऊपर इस तरीके से हमें हुक जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये हुक जो है वो क्या है, वो उनका पैरासिटिक अडेप्टेशन है जो उनमें है। शक्कर जो है उनमें पैरासिटिक अडेप्टेशन है, प्लेन एरिया को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो तो पैरासाइट है नहीं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें हुक या शक्कर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये करेक्टर इनमें भी देखने को मिलेगा। अभी चूंकि ये पैरासाइट है तो पैरासिटिक अडेप्टेशन के अंदर हमारे पास में ये दो फीचर तो यही आ जाते हैं, हुक की प्रेजेंस, शक्कर की प्रेजेंस। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल, जो टैपवर्म होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये इंटेस्टाइन का क्या है, परजीवी है। इंटेस्टाइन के अंदर चूंकि ये प्रेजेंट होता है तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड ही इसको डायरेक्टली मिलता है। तो इस वजह से जो है इनके अंदर क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होती है, फेसियोलम में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। अब इसी के साथ में एक और चीज, हुक जो है वो हमें टीनिया में देखने को मिल रहा है, हमें फेसियोलम में नहीं मिल रहा है। रीजन, ये गॉल ब्लैडर के अंदर है, इसको पेरिस्टलिस मूवमेंट फील नहीं करना पड़ता, ठीक है, जबकि टीनिया को पेरिस्टलिस मूवमेंट को फील करना पड़ता है क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर है। तो ये फिसल ना जाए, मूवमेंट हो रहा है ना, पेरिस्टलिस कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मूवमेंट करती रहती है, तो उस मूवमेंट में अपने आप को फिसल के निकल ना जाए, इस वजह से टीनिया जो होता है वो क्या करता है, हुक डेवलप कर लेता है। अब टीनिया के कितने भी अंडे आए यहां पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, पर टीनिया रहता अकेला ही है, बेचारा अकेला ही फिसल गया तो कैसे पार पड़ेगी। चलिए, तो देखिए इनके अंदर कुछ हम बोलते हैं कि पैरासिटिक अडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये है डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड, डोर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड समझते हैं कि चपटे कर दिए जाए, ऐसे हमें चिपका दीजिए तो हम पापड़ बन जाएंगे। तो कौन से होंगे, डोर्सल और वेंट्रल साइड से हुए इसलिए डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड, ऐसे चिपका देंगे तो लिटरली कहलाएंगे, और ऊपर से नीचे तक चिपका देंगे तो क्या बनाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर पापड़ बनेगा हमारा, लेकिन ये डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये एंडोपैरासाइट है, ये हमने बात कर लिया, ह्यूमंस के अंदर रहते हैं, फ्लैटवर्म्स बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट इनके अंदर देखिए मीजोडर्म से सिलोम जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, ये एसिलोमेट होते हैं। अगर आप इनके अंदर हम इनकी क्या बना दें, ये इनकी कैविटी बना दें और ये इनकी बॉडी बना दें, बॉडी के अंदर देखेंगे तो एक ही ओपनिंग है, माउथ प्रेजेंट है, माउथ ही यूरेनस की तरह काम कर रहा है, तो इसको ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान भी बोलते हैं। बट इनकी देखिए बॉडी वॉल और इनकी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल हम बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव जो कैनाल ट्यूब है, इसके बीच में ये देखिए टिश्यू जो होते हैं भरे रहते हैं, पैरेन्काइमा। अभी पैरेन्काइमा से प्लांट के अंदर मत घूम जाइएगा, ये पैरेन्काइमा सेल्स है, बट इनको मीजोकाइम बोलते हैं, मीजेनकाइम, ठीक है। तो मीजेनकाइम जो होती है ये जो है इस पूरी बॉडी के अंदर हम बोलते हैं भरी रहती है, क्योंकि कैविटी तो इनके अंदर है नहीं, सिलोम इनके अंदर है नहीं, तो सिलोम वाला एरिया किसी ना किसी से भरा होगा, तो मेसेनकाइमल सेल्स जो होती है वो इस एरिया के अंदर भरी रहती है। तो देखिए, तीन वर्ड आए, मीजो हाइल आया था पोरीफेरा के टाइम पे, दैट इज हम ये बोलते सिक्रेटेड बाय कोइनोसाइट सेल्स, मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं है, मीजोगिलिया अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म, तो नहीं तो डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोल के हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ही बोल देते है ना, और यहां ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म है, और मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है ये मीजोनकाइमा सेल, यानी कि मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड कौन है, मीजेन काइमा। क्वेश्चन आ जाता है भैया, क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछ लेते हैं, वर्ड सेम ही है ना, मीजोहाइल मीजोग्लिया मीजेनकाइमा, तो मीजेनकाइमा इज ओरिजिनेटेड बाय मीजोडर्म, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही अपने नॉर्मल जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अभी देखिए, इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और जरूर पूछा जाता है, जो काम क्या करती है एक्सक्रीशन का, उसके साथ में ऑस्मो रेगुलेशन का भी ये फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि वाटर जो है वो उसको जो उसका हम ये बोलते हैं कि उसको वाटर एंड सॉल्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन को भी ये रेगुलेट करने का काम करती है। नर्वस सिस्टम इसके बारे में यहां पे पूछा जाता है, देखिए पहली बात तो सिस्टम कहना गलत है, ऑर्गन बोलना चाहिए, लेकिन यहां पे क्योंकि पूरा हम ये बोलते हैं कि सिस्टम जो है उसके हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि यहां सिफिलाइजेशन हो चुका है, सिफिलाइजेशन यहां पे प्रेजेंट होता है। अभी देखिए सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेन का प्रेजेंट होना या ब्रेन जैसा कुछ प्रेजेंट होना, तो यहां पे वो कंडीशन है। अभी न्यूरॉन्स तो प्रेजेंट थे कहां पे, सिलेंट्रेट के अंदर, बट वहां पे केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, न्यूरॉन्स केवल पेरिफेरी में प्रेजेंट थे, तो वहां पीएनएस होता है, सीएनएस नहीं होता सिलेंट्रेट में, यहां पे पीएनएस एंड सीएनएस दोनों ही होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सिफिलाइजेशन है यहां पे। होता क्या है, यहां पे हम ये बोलते हैं कि जो आपकी एंटीरियर गैंग्लियन होती है इस तरह से नर्व रिंग फॉर्म कर लेती है और इनसे नर्व कॉर्ड निकली रहती है जो क्या बनाती है, इंटरकनेक्टेड रहती है, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस तरह से लैडर लाइक होता है, तो हम बोलते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, सिस्टम को बोलते हैं लैडर लाइक होता है, ठीक है। अभी लैडर लाइक नर्व कॉर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, बट वो नर्व कॉर्ड होगी, ये पूरा का पूरा सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है ना, ये नर्व कॉर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है डिफरेंट नर्व कॉर्ड से, तो ऐसा इनमें देखने को मिलता है प्लेटी एलिमेंथीज में। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो इनकम, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इनकम्प्लीट है, बिल्कुल
माउथ ही प्रेजेंट है, केवल ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान है, बट अगर टीनिया की बात करेंगे तो उसके अंदर अब्सेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल। चलिए स्केलेटन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ऑर्गन डेवलप हुए भाई अभी इनमें, इतने कहां सिस्टम आ जाएंगे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, यानी हर्माफ्रोडिट कंडीशन है इनके अंदर। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है ट्रू रीजनरेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये जो आपका प्लेन एरिया है, अगर इसके टुकड़े कर दिए जाए तो हर टुकड़ा जो होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, पूरा का पूरा जो है कंप्लीट, यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म जो है उसको फॉर्म कर लेता है, जितनी सेल्स पेरेंटल में थी उतनी की उतनी सेल्स जो है इनमें भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो प्लेन एरिया में ट्रू रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लिखा है डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वा स्टेजेस। अगर आप टीनिया एंड फेसियोला की लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कई सारी जो होती है लार्वा स्टेजेस आती है, जैसे कि ओनकोस्फेयर है, सिस्टर सर्कस है, ये कई तरह के जो है ना लार्वा है, हेक्साकेंथ है, ये लार्वा है। तो ये क्या होते हैं लार्वा, एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। हाँ, ओनकोस्फेयर बना, हेक्साकेंथ में कन्वर्ट हुआ, हेक्साकेंथ जो है वो आपका हम बोलते हैं कि सिस्टी सर्कस के अंदर कन्वर्ट हुआ, देन वो लार्वा जो है एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह की लाइफ साइकिल में मिलती है, बट वो इतना डिटेल है नहीं, इसलिए लाइन याद रखिए कई लार्वा स्टेजेस में प्रेजेंट होती है, समझने के लिए बात है बस। चलिए स्पेशल फीचर हु कैन सकर की प्रेजेंस और ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटियल मंथिस, आपको मालूम है क्या है, फ्लेम सेल्स, रेनेट सेल्स, मेल्पिगियन ट्यूबल्स एंड ऑर्गेनोबोजेनस। आप भी ध्यान रखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तीन जगह से पूछे जाते हैं, प्लेटी एलिमेंथी से पूछे जाते हैं, एस्की एलिमेंथी से पूछा जाता है, ऑर्थोपोड से पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है भाई। इसके अलावा अगर एनेरिडा बीच में छूट गया है तो वहां पे भी क्या होती है आपके नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं नेफ्रिडिया प्रेजेंट। चलिए ऑर्गेनोबोजेनस मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो रेनेट सेल्स जो होती है एच शेप रेनेट सेल्स एस्की एलिमेंथीज में प्रेजेंट होती है, मेल्पिगियन ट्यूबल्स अगर कॉकरोच को याद करेंगे तो याद आ जाएगा, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फ्लेम सेल्स जो होती है वो प्लेटी एलिमेंथीज में। तो क्वेश्चन जो है वो तीन जगह से पूछा जाता है, ऑर्थोपोडा से, इसके अलावा प्लेटी एलिमेंथी से और एसके एलिमेंथी से, पूछा इन्हीं से जाता है, घूम फिर के यही आ जाते हैं ये एसके एलिमेंथीज, निमेटोड्स या निमेटो एलिमेंथीज बोलते हैं। पहली बात तो हायरार्की में अगर बात करते हैं तो एसके एलिमेंथीज ऊपर आता है आपके निमेटोड, हम निमेटो एलिमेंथीज जो है वो उसके अंदर की हम बोलते हैं कि एक और सब डिवीजन है। ठीक है ना, हम उसको सब फाइलम बोल सकते हैं। अभी देखिए हायरार्की की बात कर रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके एनसीईआरटी तो निमेटोड, निमेटो एलिमेंथीज एंड एसके एलिमेंथीज एक ही बात बोल रही है, तो हम यहां पर इन्हीं राउंड वर्म्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बट ये राउंड वर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एसके एलिमेंथीज के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थ्रेड वर्म्स एंड राउंड वर्म्स हम किसको बोलते हैं, निमेटोड निमेटो हेलमंथीज को। राउंड है ना इनकी बॉडी को, अगर हम देखें टी एस सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर रहेगी, इस वजह से इनको राउंड वर्म्स हमने बोला है। एग्जांपल याद रखिए, बहुत ही कम दिए गए हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, एस्केरिस, वुचेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म जिनको बोलते हैं, रेबडिटिस जो है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल जो है ये भी आप एक नया मेरी तरफ से ऐड कर दिया है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखिए। ठीक है, बाकी इन सबके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एसके हेलिमेंथीज एक्चुअल में जो होते हैं वो ज्यादातर, एसके हेलिमेंथीज में नहीं, हम निमेटो हेलिमेंथीज की बात करें तो ये ज्यादातर जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये एंडो पैरासाइट है, अगर रेबडिटिस इसीलिए दिया है, फ्री लिविंग है वो। अगर हम बात करेंगे इसकी कि जो हम ये बोल रहे हैं कि जो पैरासाइटिक फॉर्म होती है, तो पैरासाइटिक फॉर्म्स के अंदर कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशन हमें देखने को मिलती है। अब वो अडेप्टेशन क्या होती है कि एस्केरिस जो होता है उनकी जो हम ये बोलते हैं कि जो एपिडर्मल लेयर होती है उनके अंदर हमें बोलते हैं कि इस तरह से सिंसाइटियल कंडीशन देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है उसको हम सिंसाइटियल कंडीशन बोलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, पैरासिटिक अडेप्टेशन है उसके अंदर। एक क्या होता है कि उनके ऊपर हम ये बोलते हैं कि एक और एक्स्ट्रा लेयर जो होती है ना उनके ऊपर देखने को मिलती है, ताकि कोई भी क्योंकि वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पैरासाइट है तो कोई भी एंजाइम जो है उनका इफेक्ट उसके ऊपर ना हो, तो क्यूटिकल की एक लेयर जो होती है वो उसके ऊपर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए उसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट इनमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, और देखिए ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान इनके अंदर देखने को मिलता है। इस तरह से ट्यूब का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ उसके अंदर हमारी क्या है, अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है, तो जो माउथ से स्टार्ट हो रही है एनस पे कंप्लीट हो रही है, तो हुआ ना एक सर्कुलर पूरी लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक और ट्यूबुलर, जैसे कि पैन है, पैन का आउटर कवरिंग है और एक उसके अंदर इनर हम अगर रिफिल डाल देते हैं तो ट्यूब के अंदर ट्यूब प्लान हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी तरह का प्लान देखने को मिलता है ट्यूब विद इन ए ट्यूब। पर प्रोटोस्टोम होते हैं, यानी कि माउथ पहले बनता है। ठीक है, ये प्रोटोस्टोमिक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है जो पूछा जाता है और बोला जाता है कि इनके अंदर मसल लेयर जो होती है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती है। सारी की सारी मसल्स इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। और पैरासिटिक अडेप्टेशन सी साइट या एपिडर्मिस जो होती है क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है जिनपे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। एक इसके अलावा इनका फेरिंग्स जो होता है ना वो मस्कुलर होता है ताकि वो सक कर सके, क्योंकि देखिए फूड जो जाता है वो कहाँ जाता है आपका, हम स्टमक से काइम जो बना वो काइम गया आपके एलिमेंट्री कैनाल में, वहीं ये पैरासिट के फॉर्म में है, ठीक है, पैरासाइट है ये वहां पे। अब वो काइम क्या होता है, सेमी सॉलिड सा होता है, लिक्विड रहता है और सॉलिड पार्ट रहता है। तो देखिए अगर कोई सॉलिड मटेरियल थोड़ा लिक्विड होगा तो उसको सक करने के लिए ज्यादा आपको पावर लगाना पड़ेगा, है ना। तो कोई मस्कुलर अगर हमारी अगर कोई ऐसे ही हमारा ऑर्गन होगा तो उसको अच्छे से सक कर पाएगा, तो सेम कंडीशन है। वो काइम जो होता है उस काइम में से एस्केरिस जो अगर हम बात करें इनकी, तो पैरासाइट क्या करते हैं सक्शन पावर लगा के अपने मस्कुलर फेरिंग से उसको क्या करते हैं लेने की कोशिश करते हैं। तो ये पैरासिटिक अडेप्टेशन है। तो मस्कुलर फेरिंग जो होता है ये जो प्रेजेंट होता है ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। स्केलेटल रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एब्सेंट है, इनके बारे में हम यहां बात नहीं करेंगे, ना ही एनसीईआरटी ने दिया है। एच शेप रेनेट सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर कुछ इस तरीके से याद रहे आपको तो इस तरह की इनके अंदर हमें देखने को मिलती है क्या, रेनेट सेल्स जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से एच शेप रेनेट सेल्स इनमें मिलती है फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, डायोशियस कंडीशन होती है। अगर एस्केरिस में देखेंगे फीमेल थोड़ी सी लंबी स्ट्रक्चर थी, अगर मैं ये डायग्राम वापस आपका पहुंचाती हूँ चलिए एस्केरिस तक, तो देखेंगे फीमेल थोड़ी सी लंबी है, मेल थोड़ा सा क्या होता है छोटा होता है, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसको कहते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर आप समझा सके कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो यहाँ एस्केरिस के अंदर ये कंडीशन आपकी पॉसिबल है, आप बता सकते हैं फीमेल बड़ी है मेल छोटा है। तो यही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके जो कॉडल जो पार्ट होता है, कॉडल पार्ट के अंदर इस तरह से कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको फेजमिट बोलते हैं। तो ये फेजमिट सब में प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, तो ये एक क्लासिफिकेशन का इनका आधार है। एसके एलिमेंटिस को आगे इसके आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। तो एसके एलिमेंटिस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैरासिटिक अडेप्टेशन सिसाइटियल एपिडर्मिस के बारे में, एक्सक्रीटरी और जो ऑर्गन है वो रेनेट सेल्स है, एच शेप इसके बारे में, लॉन्गिट्यूडल मसल्स पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर मिलती है सिंसाइटियल एपिडर्मिस के ऊपर, मस्कुलर फेरिंग्स इनका प्रेजेंट होता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एसके हेलिमेंथीज में से। ये निमेटो हेलिमेंथीज निमेटोड्स के करेक्टर है राउंड वर्म के। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें प्रेजेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया गया। तो यही क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नाउ वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड मस्कुलर फेरिंग्स आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होते हैं भाई, एसके एलिमेंथीज में, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है इनका, है ना, और मस्कुलर फेरिंग्स इनके पास में प्रेजेंट होता है। ऑर्थोपोड में नहीं है, प्लेटी एलिमेंथीज में अभी पढ़ गया है नहीं है, एनिलिडा भी आप पढ़ोगे जब एनिलिडा ऑर्थोपोडा, तो वहां पे भी आप मस्कुलर फेरिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं बताएंगे वहां पे। तो ये करेक्टर हो गया किसका, आपके एसके एलिमेंथीज का। एनिलिडा बाइलेटरल सिमिट्री वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आते हैं, ये भी ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं। इनमें भी क्या है आपके हमें देखने को मिलता है माउथ एंड एनस कंप्लीट, हमें एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे सिस्टम फॉर्म हो गए हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिस्टम कंप्लीटली हम यहीं से पढ़ने शुरू करते हैं। सिस्टम की बात आते ही समझिए, नर्व्स के बारे में हमने बात करनी शुरू कर दी, एक्सक्रीशन के बारे में हमने बात करनी शुरू कर दी, बट अभी तक हमने रेस्पिरेशन ही हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में बात करनी शुरू नहीं की थी। रेस्पिरेशन देखिए अभी यहां से स्टार्ट हो जाएगा, आप यहां पे पढ़ेंगे उनके बारे में। चलिए एग्जाम्पल नेरिस, फेरिटिमा अर्थवॉर्म, ब्लड सकिंग लीशियन हिरिडिनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल है। इनके अंदर ये सूडो अभी सूडो मेटामेरिज्म शो कर रहा है, ये नेरिस जो है मेटामेरिज्म जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। और देखेंगे आप ये सेगमेंटेड जो है, हर सेगमेंट से जो है पैरापोडिया जो है वो निकले हुए हैं फॉर द लोकोमोशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट आप अगर इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो इनकी बॉडी में आप देखोगे कुछ रिंग्स जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, तो इसी वजह से इनको एनेलिडा बोला है। एनेलिडा का वर्ड जो आता है एन्यूलस, उसका मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो कि इनकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इस वजह से इनको हमने बोला है एनेलिडा। ये देखिए एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और मेटामेरिज्म के बारे में भी यही पढ़ते हैं, सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, लीच को छोड़ दीजिए एक्सेप्शन है वो। फिर यही बोल रहे हैं दे मे बी एक्वेटिक मरीन एंड फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है, सम टाइम पैरासिटिक, यानी सारे तरह के इनके हैबिटेट हमें देखने को मिलते हैं। जब वहां पे बात हो जाती है सब तरह की, वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, पर्टिकुलर जहां पे चीज प्रेजेंट होती है क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन पास्ट ईयर के उठा के देखेंगे तो फंडा समझ में आ जाएगा। चलिए तो यही वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। सिलोमेट
जो होती है वो साइजोसिलोम होती है। साइजोसिलोम का मतलब क्या हो गया? साइजोसिलोम का मतलब ये होता है दो तरह की सिलोम हो सकती है, या तो एंटेरोसिलोम या फिर साइजोसिलोम। साइजोसिलोम का मतलब ये हो गया कि मीजोडर्म के अंदर स्प्लिट होने से, इस तरह से स्प्लिट होने की वजह से जो सिलोम बनती है उसको हम साइजोसिलोम बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये देखिए, अगर ये आपकी बॉडी वॉल है, ये आपकी गट वॉल है, मैंने टीएस सेक्शन लिया, तो गट वॉल की जो मीजोडर्म होती है उसी से अगर ओरिजिनेट हो जाती है आपके सिलोम, तो उसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलोम, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर साइजोसिलोम है। अभी देखिए करेक्टर इनसे मिलता जुलता है। चलिए, मेटामेरिज्म होगा एक्सटर्नली और इंटरनली, दोनों तरीके से होगा, लीच में नहीं है, बॉडी वॉल के अंदर। यहां पे देखिए एलएमएल पढ़ के आए हैं एसकेएली मंथीज में, यहां एलएमएल के साथ में सीएमएल भी होती है। यहां पे सर्कुलर भी है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दोनों ही प्रेजेंट इनके अंदर होती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ऐसे ही मूवमेंट करता है और इसके साथ में इस तरह से भी मूवमेंट करता है, ठीक है ना। चलिए, लोकोमोशन देखिए किसके थ्रू होता है? काइटिनस सिटी। काइटिनस सिटी जो है, सिटी कोई भी हम बोल रहे हैं ऑर्गन नहीं है, सिटी जो है एक सिक्रीशन होता है जो एस शेप में, इस तरह से सिक्रेटरी सेल्स होती है जो एस शेप में इस तरह से जो है सिटी को सिक्रीट करती है। ये सिटी अगर टूट भी जाती है तो नई सिटी जो है वो फॉर्म हो जाती है वापस से, ठीक है। एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, जैसे कोई हैंडीकैप होता है वो अपने दो अगर वो यूज करता है ना जिस तरीके से चलने के लिए, तो उसी तरीके से सिटी भी होती है। वो अगर कोई मोइस्ट हम बोल देते हैं मिट्टी वगैरह है, गीली मिट्टी वगैरह होती है, तो ऑर्थोम क्या करते हैं उसके अंदर अपने आप को गड़ा गड़ा किस तरह से चलने के लिए यूज में करते हैं। अब बर्फीली जगह में होते हैं तो वहां पे वो आपको स्टिक्स देते हैं ना चलने के लिए, तो वैसे ही होती है सिटी भी। तो सिटी कोई ऑर्गन नहीं है, पहली बात तो आप यह ध्यान रखिए। और उसके अलावा ऑर्थोम अगर टाइल पे आ जाए तब तो सिटी को यूज नहीं कर सकेंगे। अब टाइल्स वगैरह अगर कहीं होगी, हार्ड सर्फेस होगी, तो सिटी तो टूट जाएगी, राइट। ऐसी कंडीशन में वो अपना माउथ जो होता है ना उसका जो सकर पोर्शन होता है उसको वो यूज करते, सकर के थ्रू जाके वहां पे चिपक जाते हैं, एंड देन फिर अपनी बॉडी को आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे चिपकाते हैं, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो माउथ जो पोर्शन होता है उससे जो होता है अर्थवर्म आगे मूवमेंट करता है, तो ठीक है। तो लोकोमोशन जो है वो अनजॉइंटेड सीटी के थ्रू हो सकता है, दैट इज नॉट ए ऑर्गन। नेरिस के अंदर पैरापोडिया होते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं। केरला के अंदर चलने वाली नावें अगर याद होगी तो वो नावें देखो, नाव के अंदर कई सारे मेंबर बैठे रहते हैं और हर तरफ से क्या होता है, चप्पू चलाते हैं। वो एक अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे, फोटो देखोगे, तो वो नेरिस जैसा ही लगेगा। तो जैसे वो एक्वेटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैरापोडिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं। जो चप्पू जो होते हैं उनको सोचो पैरापोडिया से इमेजिन करके देखो, तो आपको ना वो चीज जो है रिलेट करती भी याद रहेगी, तो याद भी रहेगा। तो एक्वेटिक जब आए तो नेरिस को याद करिए, नेरिस में पैरापोडिया होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन। चलिए, स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं, एक्वेटिक है तो स्विमिंग ही करेंगे। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? नेफ्रिडिया के थ्रू। पहले ही बोला था ना नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सक्रीटरी है ये। रेस्पिरेशन जो है मॉइस्ट स्किन के थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू भी होता है इनके अंदर, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एनसीईआरटी ने नहीं दिया। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में याद रखिए, क्लोज टाइप का इनके अंदर हम देखने को मिलता है हमें, ये सॉरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का इनके अंदर होता है। इनमें आरबीसी जो होती है वो आरबीसी इनमें प्रेजेंट नहीं होती। आरबीसी प्रेजेंट नहीं है तो यानी कलर कोई भी इनके अंदर नहीं आएगा, है ना। तो इनका ब्लड जो होता है, ब्लड जो है वो इनके अंदर रेड है, बट आरबीसी जो है उसकी वजह से कलर नहीं होता है, कलर होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से, बट इनके अंदर पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो हम ये बोल रहे हैं ब्लड रेड कलर का है बट उसमें आरबीसी नहीं है, बट उसका कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर आर्टरीज और जो हम ये बोलते हैं कि वेन्स जो कैपिलरीज जो है, वेन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है, ठीक है। बट हीमोग्लोबिन आरबीसी में जो हम बोल रहे हैं कि आरबीसी में नहीं होकर वो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, घुला रहता है। लीज एक एक्सेप्शन है हमारे पास में, क्योंकि इसके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एक्चुअल के अंदर ये याद करने की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि आगे जब आप मोलस्क पढ़ोगे तो उसमें भी ओपन टाइप है, बट कोई ना कोई तो उसका पूर्वज रहा होगा जहां से ये चीज हुई है, तो उसको कनेक्ट कर सके। चूंकि एनेलिडा और मोलस्क का खुद भी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ऑर्थोपोडा एंड एनेलिडा भी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्लोज टाइप है, फिर वहां से ओपन डेवलप हुए, देन फिर क्लोज आ जाएगा। तो उसको समझने के लिए याद रखिए, लीच जो होता है उसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। चलिए आगे, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है इनके अंदर, पहली बात तो याद रखिए कि इनमें वेंट्रली लोकेटेड जो होता है नर्वस सिस्टम होता है, डोर्सली नहीं होता, डोर्सली हमारे अंदर होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर वेंट्रली जो बोलते हैं कि वो नर्वस सिस्टम होता है, सिफिलाइजेशन हो चुका है
और फिर हम ये बोल रहे हैं कि इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो कैसी होती है, डबल होती है। इस तरह से ये नर्व कॉर्ड जो है वो डबल होती है, बट सिंगल लगती है क्योंकि इसको एक लेयर जो होती है वो इस तरह से शीथ जो होती है कवर कर लेती है। तो बाहर से देखोगे तो एक सिंगल लगेगी, लेकिन अगर जब हम उसको कट करेंगे तो मैं शीथ को बनाऊं तो मैं इसको अलग कलर में शो कर सकती हूँ। ये मैंने शीथ को अलग कलर में शो कर दिया। तो कट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि नर्व कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, दो होती है ना, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया है, पर दिखती क्या है हमें एक है। तो होती क्या है, नर्व कॉर्ड डबल होती है, वेंट्रली लोकेटेड होती है, सॉलिड होती है, बट एक लगती है क्योंकि कवर्ड रहती है। तो ये याद रखिए, नर्व रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी, सिविलाइजेशन हो चुका है, उससे नर्व कॉर्ड निकली है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लेटी हेलिमंथीज में लेडर लाइक नर्वस सिस्टम था, यहां पे नर्व कॉर्ड कैसी है, नर्व कॉर्ड डबल है, सिंगल दिखती है, शीथ द्वारा कवर रहती है, इसको याद रखना है, सॉलिड है, वेंट्रली लोकेटेड होती है। ये चीजें पूछी जाती है। रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ये नेरिस जो है वो डायोशियस है, अगर अर्थवॉर्म की बात करेंगे तो वो मोनोशियस होता है। लीच भी क्या होता है, मोनोशियस होता है, ये याद रखिए, ठीक है। नेरिस लेकिन क्या है, डायोशियस है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, ट्रोकोफोर लार्वा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो याद ना भी करे तो चलेगा, बट याद रखने के लिए ट्रोकोफोर लार्वा याद रहेगा तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि हम भी डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है इनके अंदर। इसके एग्जाम्पल देखिए, नेरिस है, लीच है, तो आप नेरिस के अंदर अगर हम देखें तो नेरिस जो होता है ना वो यू शेप बरो बनाता है। नेरिस जो होता है जब बरो बनाता है वो यू शेप बनाता है, रीजन ये क्योंकि इसमें कोई बैक गियर नहीं होता है। नेरिस अगर यहां से घुसेगा तो उसको यहां से ही निकलता है वो बाहर, आगे से एक और उसको क्या बनाना पड़ेगा, पोर बनाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। अर्थवॉर्म में ऐसा नहीं होता, अर्थवॉर्म जो होता है ना उसमें बैक गियर भी होता है, वो क्या कर सकता है, वो तो अगर सिर्फ इस तरीके से जे शेप बरो भी बनाएगा तो वो यहां से आकर बैक गियर लगाकर वापस भी बाहर निकल सकता है। तो जे शेप बरो होती है किसकी, आपके अर्थवॉर्म की, जबकि यू शेप बरो होती है किसकी, नेरिस की। नेरिस के अंदर एक हेटरोनेरिस वर्ड भी यूज होता है, इसकी बॉडी जो होती है उसका हाफ पार्ट जो है सेक्सुअल टाइप में गोनाड्स जो होते हैं गोनेड्स फॉर्म कर लेता है, तो आधा वही सोमेटिक सेल्स है, बाकी आधी जो है वो जर्म सेल्स जो है उनमें कन्वर्ट हो गए, तो उस कंडीशन को हम हेटरोनेरिस बोलते हैं। लीच जो होता है ये सैंग्विवरस है, ब्लड सक करता है, इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि यही ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान बना देते हैं इस तरह से लीच के अंदर। तो ये जो एरिया है यहां पे बोट्राइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनका रोल होता है एक्सक्रीशन का, जो लीच का एक स्पेसिफिक करेक्टर है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, सिंसाइटियल एपिडर्मिस किसमें मिलती है भाई, ल्यूकोसिलेनिया स्पंजा नहीं, टीनिया आपका जो हमने प्लेटियल मंथीज है इनमें भी नहीं है, हाइड्रा निडेरिया है तो इसमें भी नहीं है, एस्केरिस बिल्कुल एस्केलिमंथीज के अंदर होती है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में हम ये बोल रहे हैं ये नंबर वन फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज आती है, यानी टोटल एनिमल किंगडम की सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी के अंदर आ रही है। बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सब ऑलमोस्ट सब कुछ ना कुछ इसमें जरूर प्रेजेंट होगा। ऑर्थोपोडा आया किससे, एनिलिडा से आया है। जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो जितने भी अपेंडेजेस देखेंगे उनमें जॉइंट्स होंगे, टुकड़ों में होंगे, ठीक है। लार्जेस्ट फाइला है, 2/3 हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी स्पीशीज है वो आती है धरती पे, जितनी भी स्पीशीज है उसमें से मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल है। रीजन इनके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक्सोस्केलेटन जो है वो इनको सर्वाइवल कैपेसिटी इनकी बढ़ा देता है। देखिए परमियन पीरियड के अंदर डेवलप हुए थे, स्टिल अभी तक प्रेजेंट है, यानी सर्वाइव सबसे ज्यादा कौन कर पाया, ये कर पाया, छोटे से हैं लेकिन ये सर्वाइव कर पाए। हम जो है हम छोड़ो डायनासोर को देखो ना, डायनासोर भी सर्वाइव नहीं कर पाए, यानी कि मोस्ट सक्सेसफुल है ऑर्थोपोड्स एक्सोस्केलेटन की वजह से। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये सारे हम लोग डिस्कस करते आए, आपको पता है कि अभी हमने एक बार बोल दिया कि ट्रिप्लोप्लास्टिक आपके स्टार्ट हो जाते हैं, कहां से आपके स्टार्ट होते हैं, प्लेटी एलिमंथीज अकॉर्डेड, तो ये वही सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप सब चीजें डिस्कस करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ऑर्थोपोड के अंदर अगर हम उनकी बॉडी देखें तो उनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमन। ये हेड बना दिया, ये थोरैक्स बना के, और ये एब्डोमन, अगर मैं कॉकरोच को बनाती तो कुछ ऐसे ही बनाती। और कवर्ड रहती है किससे, काइटिनियस स्केलेटन से, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ती है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, मैंने बोला एक चीज याद रख ली ना, लीच को याद रखो समझ जाओगे वहीं से इवोल्यूट हुआ है, ओपन है। इनकी बॉडी कैविटी हीमोसिल जो होता है वो इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है, पिगमेंट जो है वो इनके अंदर अब्सेंट है। हीमोसिल जो हीमोलिम्फ हम इसको बोलते हैं, हीमोसिल इसकी हम बोलते हैं बॉडी कैविटी को बोलते हैं, हीमोलिम्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कलर नहीं है उसका कोई भी। चलिए, बट कॉपर कंटेनिंग क्रस्टेशिया इनका एक हम ये बोलते हैं, जब हम इनको आगे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्रस्टेशिया एक पर्टिकुलर हम ये बोलते हैं कि इनकी क्लास आती है जिसके अंदर क्या होते हैं, कॉपर कंटेनिंग हम ये बोलते हैं कि पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोसाइनिन। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप ये ध्यान रखिए कि
हीमोसाइनिन जो है ये एक्चुअल में पिगमेंट की प्रेजेंस किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो है मोलस्क का। यहां सिर्फ ये एक्सेप्शनली प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। मोलस्क के अंदर ये उसका मेन करेक्टर है कि हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे पूछा जाएगा, यहां तो हीमोलिम पूछा जाएगा क्योंकि पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। चलिए, नाउ द रेस्पिरेशन जो है वो क्रस्टेशिया में बहुत सारे इसके अंदर टाइप है, इनमें गिल्स एंड बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रस्टेशिया के अंदर। जबकि अगर हम बात करेंगे ऑर्थोपोडा के इंसेक्ट्स के अंदर, तो वहां पे ट्रेकियल या फिर बुक लंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी एक्वेटिक गिल्स एंड बुक गिल्स के थ्रू। टेरेस्ट्रियल जो है वो बुक लंग्स के थ्रू या ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर मैलपीगियन ट्यूबल्स, एनसीईआरटी ने यही दिया है तो यही याद रखिए ना, वैसे तो कई जगह और पड़े होती है, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड भी उनको हम बोलते हैं, क्योंकि एंटीना जो होते हैं इनके हेड पोर्शन से इस तरह से एंटीना जो निकलते हैं यहां पर ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर जो है वो हम बोल रहे हैं एंटीनरी ग्लैंड्स होती है, बट याद रखिए सिर्फ मैलपीगियन ट्यूबल्स को यही पूछा जाता है। कॉकरोच के अंदर आप लोगों ने यहां पे इस तरीके से जब एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं तो ट्यूबल्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक्सक्रीशन का रोल करती है, अगर कुछ याद आपको आ रहा हो तो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन के लिए। नर्वस सिस्टम यहां से जरूर पूछा जाता है, देखिए वही सारी चीजें हैं, ध्यान रखना है आपको कि यहां पर क्या है, नर्वस सिस्टम वही सर्कुलर, हम ये बोल रहे हैं कि वही नर्व जो आगे हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस जो है वो है, सिविलाइजेशन हो चुका है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, डबल है, सॉलिड है, वेंट्रली लोकेटेड है, बट शीथ से कवर्ड नहीं होती है, ठीक है ना। बट इसके अंदर क्या है, इस तरीके से हर एक सेगमेंट में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, तो दूर से अगर देखो, अगर आप इस तरीके से, तो आपको नजर आएगा लैडर लाइक है, तो नर्व कॉर्ड लैडर लाइक होती है की ऑर्थोपोड्स की, ठीक है। नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है प्लेटी हेलिमेंथिस का, बाकी डबल वेंट्रल सॉलिड दिखती एक है नर्व कॉर्ड, तो वो किसकी होती है, एनेलिडा की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूं। फिर सेंसरी ऑर्गन एंटीना एंड कंपाउंड आईज इनके अंदर प्रेजेंट होती है, सिंपल आईज भी होती है, तो ये याद रखिए बैलेंसिंग सेल्स, स्टेटोसिस सेल्स जो होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी सारी वैरायटी है तो इनमें हर तरह की कंडीशन मिलेगी। देखो रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल है यानी एक्सटर्नली भी होता है, मोस्टली ओवीपेरस है यानी वीवीपेरस भी कोई ना कोई स्पीशीज जरूर होगी, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है यानी कि हर कंडीशन में देखने को मिल सकती है क्योंकि ज्यादा स्पीशीज है ना इस वजह से। चलिए नाउ एग्जांपल, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एपीज हनी बी जो है, हनी मिलता है, बॉम्बेक्स सिल्क वॉर्म जो है जिनसे हमें सिल्क मिलता है, ये एक्चुअली इनकी सेलेवरी ग्लैंड का सिक्रीशन है। लेसिफर जो होती है, लाख इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी एब्डोमिनल ग्लैंड क्या होती है, एक सिक्रीशन करती है जिसको हम लाख बोलते हैं, जिसको प्यूरीफाई करके शी लाख जो है वो, मतलब वो शी लाख होता है जिसको प्यूरीफाई करके लाख बनाया जाता है, जिसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग के अंदर। और यही जो फीमेल्स होती है इनको अगर सुखा कर ड्राई कर दे और पाउडर बना दे तो वो क्या बन जाएगा, आलता, ठीक है, जो लाल रंग ट्रेडिशनली लगाया जाता है ना हाथों पे मेहंदी और की तरह, महावर जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसी से हमें मिलता है। वेक्टर कौन कौन से हैं, एनाफिलीज मलेरिया के लिए, क्यूलेक्स फाइलेरिया के लिए, एडेस डेंगू या चिकनगुनिया के लिए, टाइगर मॉस्किटो जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपके एग्जांपल दिए गए वेक्टर्स में। ग्रिगेरियस पेस्ट में आ जाते हैं लोकस्ट, लोकस्ट जो होते हैं एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि ग्रुप को बोलते हैं, ग्रास ओपर जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, टिड्डा जिसको हम बोलते हैं, पूरे के पूरे ये जो है टिड्डे जब ग्रुप में आते हैं लोकस्ट के फॉर्म में आते हैं तो ये पूरी की पूरी फसलें जो होती है उनको उजाड़ देते हैं, ये कैपेसिटी इनकी होती है। लिविंग फॉसिल है ल्यूमुलस, ठीक है। क्वेश्चन, लाक इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ, किसका है भाई, सिक्रीशन ऑफ बॉडी है ना, एब्डोमिनल ग्लैंड का सिक्रीशन है, फोर्थ ऑप्शन है। चलिए नाउ मोलस्का, मोलस्का जो होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी नहीं है इनकी, ठीक है, बट सेगमेंट्स हमें वैसे दिख जाते हैं क्योंकि हम बोल देते हैं इनका हेड होता है, विसरल हम्प होता है ना, और हम ये बोलते हैं मस्कुलर फूड प्रेजेंट होता है, बट ये सेगमेंटेड नहीं है इनके अंदर। एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवा देती हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट हम बोलते हैं, एग्जाम्पल खूब सारे दिए हैं, पायला, पिनेक्टेडास, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस है ना, ये सारे डेंटेलियम, किटोप्लूरा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सी हेयर बिलोंग्स टू विच फाइलम, देन माय फाइलम इज मोलस्का, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्कस किए हैं आपको पता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, बॉडी अनसेगमेंटेड है इनकी, तो सेगमेंट तीन ही जगह लिखना है, बाकी सब जगह अनसेगमेंटेड ही लिखना है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते आए हैं तो जो हम लोगों ने लिखा है वही आपको ध्यान रखना है, मतलब डिस्कस कर लिया है। मेन कैरेक्टर देख लेते हैं, बॉडी इनकी हेड फुट एंड हम्प में डिवाइडेड रहती है, तो थोड़ा सा हम इसके डायग्रामेटिकली हम चले जाते हैं, डायग्राम में आते हैं हम इसके, ये देखिए, तो अगर इसके डायग्राम की बात करोगे तो इनके अंदर क्या है, देखिए हेड होता है, ठीक है, विसरल हम्प है, विसरल हम्प क्योंकि इसके अंदर सारे विसरल ऑर्गन्स आते हैं, एंड एक मस्कुलर फुट होता है फॉर लोकोमोशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके माउथ एरिया के अंदर इस तरह से हम ये बोलते हैं कि
रेडुला प्रेजेंट होता है, दांत जैसा होता है, टंग होती है, टंग सोचो टंग है, टंग के ऊपर टिथ लगा दिए गए जिसका यूज किया जाता है ना, क्या हम ये बोलते हैं कि टिथ की तरह उसका यूज किया जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन का और एक्सक्रीशन का दोनों का काम कर रहे होते हैं, तो गिल्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल्स इसके अलावा ऑर्थोपोड में हमने पढ़ा है कि गिल्स उनमें भी प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये याद रखो जो इसमें से क्वेश्चन बनता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोलस्का से पूछी जाती है, तो आप याद रखिए, एक तो पूछा जाएगा आपको किसके बारे में, विसरल हम्प में या फिर फुट के अंदर, हेड में कौन डिवाइडेड है, तो ये है। इसके अलावा ये जो एक सिक्रीशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, तो ये जो होता है शेल्ड एनिमल होते हैं, इनके ऊपर शेल प्रेजेंट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंट है, और उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि उसके ऊपर एक ये जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर एक स्किन प्रेजेंट होती है जिसको मेंटल बोलते हैं, स्किन फोल्ड प्रेजेंट होता है, और मेंटल और इसके बीच की विसरल हम्प के बीच की कैविटी को हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इनके अंदर भी लार्वा प्रेजेंट है, यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ट्रकोफोर लार्वा जो हम एनिलिडा में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ट्रकोफोर लार्वा है, डायोशियस है, ओवीपेरस होते हैं, ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए क्वेश्चन, फाइलम मोलस्कला के सॉरी मोलस्कस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ, किससे अलग होते हैं, बायलेटरल तो कहीं शो कर रहे हैं, एक्सोस्केलेटन भी है, ठीक है, किसमें है भाई, ऑर्थोपोड में, मेंटल है इसमें, लेकिन गिल्स जो है वो ऑर्थोपोड्स में भी है, शेल है, नॉन सेगमेंटेड गिल्स है, नॉन सेगमेंटेड गिल्स क्या होते हैं भाई, ए मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है वो राइट है हमारा, कि इनके पास में मेंटल है, वो इजली में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा नहीं होता। इकाइनोडर्मेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्मेटा, एक तो इनमें रेडियल सिमेट्री मिल रही है, बायलेटरल के बीच में रेडियल आ गया है क्योंकि इनके एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट इनके लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग जो है इनके लार्वाज होते हैं। अभी इकाइनोडर्मेट की जो करेक्टर है आपको याद रखने है, एक तो आपको क्या याद रखना है, इनके अंदर भी रीजनरेशन मिलता है, इनकी कोई भी आर्म अगर काट दी जाए, जैसे कि स्टारफिश की आर्म काट दी जाए तो वो वापस से डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो रीजनरेशन इनमें भी देखने को मिल रहा है। इकाइनोडर्मेट्स के अंदर देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम आप पढ़ के आए थे, यहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये था कि पोरीफेरा में कई सारे पोर्स से पानी आ रहा था, स्पंजोसेल में जा रहा था, और ओस्कुलम एक पोर से बाहर निकल रहा था, यहां पे एक पोर जो होता है वहां से एंटर करता है और ट्यूब फिट बनाते हुए ना कई सारे पोर से पानी बाहर निकलता है, तो पानी की एंट्री एक पोर से और निकलता है वो कई सारे पोर से, इकाइनोडर्मेट्स के अंदर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है और वो वाटर कैनाल सिस्टम था पोरीफेरा में, याद रखना। ये मरीन है, दे आर मोस्टली बेंथोनिक, ये चीजें पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, एग्जाम्पल याद रखिए, वही एकिडना आपको याद रखना है, इकाइनस एस्टेरियस एंटीडोन ओफ्यूरा एंड कुकुमेरिया, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने, जनरल नेम्स भी आपको याद रखने हैं इनके, ठीक है। जो चीजें हमें पढ़नी है, जो चीजें हमें ध्यान रखनी है वो है इनका, बाकी सारी करेक्टरिस्टिक्स वही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वही ट्यूब विद इन ए ट्यूब इनका बॉडी प्लान है क्या, बिल्कुल ये, बट ड्यूटेरोस्टोम है, इकाइनोडर्मेट्स में आने के बाद में ये ड्यूटेरोस्टोम है, और ये इनके लार्वा जो है वो बायलेटरल सिमेट्री वाले हैं, बाकी रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। इकाइनोडर्मेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट यूं आ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एंडोस हम बोलते हैं स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ऑसिकल्स के बारे में या एंडोस्केलेटन के बारे में हम यहीं पे बात कर रहे हैं, और यहां पे पहली बार स्केलेटन जो बोलते हैं ना, ट्रू स्केलेटन वाली ऑसिकल्स वर्ड जो है बोन लाइक कुछ चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम इकाइनोडर्मेट्स में कर रहे हैं, तो यहीं से कॉर्डेट डेवलप हुए होंगे इवोल्यूशन के बेसिस पे, वो हमें पता चलता है। तो एंडोस्केलेटन, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन जो है, ऑसिकल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये देखिए मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ट्यूब फिट पोडिया डेवलप करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए एम्बुलेक्रल सिस्टम होता है इस तरीके से, हम ये बोलते हैं अगर हम बनाए तो एक पोर से पानी अंदर आएगा और इनकी रेडियल जितनी भी इनकी आर्म्स हैं उन सबको पानी पहुंचाते हुए और वो ट्यूब फिट के थ्रू हम ये बोलते हैं बाहर निकल जाएगा, यहाँ कई सारी ट्यूब फिट्स होते हैं तो वो पानी जितने भी ट्यूब फिट्स हैं इनको सप्लाई करके वो पानी बाहर निकल जाता है, एक पोर से एंटर होता है और कई सारे पोर से वो बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर अब्सेंट है, बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पर इसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, रेस्पिरेशन पिगमेंट इनमें भी अब्सेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है,
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, रेडियल सिमिट्री शो, क्या स्पाइलेटरल सिमिट्री शो करें तो लार्वा तो है ही बिल्कुल, तो ये उन लार्वाज के नेम है, इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्मेट इज काइटिनस सिलिकेसियस ट्यूनिसिन एंड कैलकेरियस, तो देन ऑप्शन इज कैलकेरियस, ठीक है। चलिए हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं इनको पहले कॉर्डेट में रखा गया था, अभी इनको कॉर्डेट में नहीं नॉन कॉर्डेट में रखा है। एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर जो है हमें देखने को मिलती है, हमें लगा था कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एक्चुअल में, क्योंकि डोर्सली डोर्सल सरफेस पे नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कॉर्डेट्स के अंदर। बट यहाँ पर डोर्सली हमें कॉर्ड मिली जिसको हमें लगा नोटोकॉर्ड है, बट वो डोर्सल क्या थी, वो नर्व कॉर्ड थी, क्योंकि नॉर्मली हम जो पढ़ के आए हैं पहले, चाहे वो मोलस्का में पढ़ा हो, एनिलिडा में पढ़ा हो, सबके अंदर क्या होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। जब ये पता चला तो हमने इनको कॉर्डेट से हटाया और हेमिकॉर्डेट्स के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो है अगर आप देखोगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, टंग वॉर्म भी बोलते हैं और एकॉर्न वॉर्म भी हम इनको बोलते हैं। इनकी बॉडी अगर देखोगे तो प्रोबोसिस के अंदर, कॉलर के अंदर एंड ट्रंक के अंदर, ये कॉलर है एंड देन ट्रंक के अंदर ये डिवाइडेड रहती है, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट वही है प्रोबोसिस एरिया जहां पे ये एक्सक्रिटरी फंक्शन करते हैं, नोटोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बट इनके अंदर डॉर्सल होलोड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमने क्या पढ़ी थी, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड पढ़ी थी, यहाँ पे डॉर्सल होलोड नर्व कॉर्ड है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, जहां से बनेगा वो याद रखिए। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, ठीक है, दो ही एग्जाम्पल है जो याद रखने हैं, बाकी करेक्टरिस्टिक्स वही है, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल सिमेट्री, टिप्लोब्लास्टिक, एंटेरोसिलोम है, ट्यूब विदिन ट्यूब, बॉडी प्लान डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट है, ड्यूटेरोस्टोम है, एनस पहले बनता है इनके अंदर। चलिए फिर वही प्रोबोसिस के बारे में आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, अभी सब में ओपन ही चल रहा है, बीच में क्लोज आया था एनिलिडा के अंदर, हमने क्लोज पढ़ा था, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इनके अंदर होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, इनके अंदर भी लार्वा है, जो लार्वा कौन सा है, टोरनेरिया लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। देखिए एनसीईआरटी ने कई जगह तो लार्वा के नेम दिए, कहीं नहीं दिए हैं, तो जहां दिए आप वहीं याद रखिए, बाकी जगह याद रख लीजिए, लार्वा है तो है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल याद रखिए लाइंस। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उनके पर्टिकुलर लार्वा के नाम नहीं पूछे जाएंगे, इनके लार्वा के सिंगल आपको एक या दो याद करने पड़ेंगे जो आपको दिए गए हैं, तो आपको याद कर लीजिए, लार्वा इज फ्री स्विमिंग, टोरनेरिया लार्वा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेट है Now been placed with the non-cordates close to echinoderms. Because किस लिए रखा गया भाई echinoderms से close है? Notochord is absent, बिल्कुल notochord में absent है. Pharyngeal gill slits are lacking. Dorsal nerve cord is absent. Heart is lacking. तो देखिए notochord जो है वो इनके अंदर क्या है? Absent है. यही जो है character इनका match खाता है. इस वजह से हमने इनको किस में रख दिया? आपके non-cordates के अंदर इसको रख दिया है. ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स किसे बोलते हैं? वो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड्स या तो लार्वा स्टेज में या पूरी लाइफ में, या समटाइम वो नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो सभी कॉर्डेट्स कहलाते हैं। चलिए बट कॉर्डेट्स के मेन फोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किनकी प्रेजेंस है? तो सबसे पहले आ जाती है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो होती है वो इनके अंदर हमें बोलते हैं डॉर्सली लोकेटेड होती है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है, होलोड होती है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो वो भी डॉर्सली लोकेटेड है, सॉलिड है, रोड लाइक है, बट मेसोडर्मली ओरिजिनेट होती है ये, बट ज्यादा डॉर्सल कौन होगी? नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है। गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड पोस्ट एनल टेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए अभी यही एनसीईआरटी में लिखा है तो हमें यही चीज पढ़नी होगी। आगे कॉर्डेट्स को हम तीन सब फाइलम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से है भाई? एक तो आपका आ जाता है यूरोकॉर्डेट, दूसरा आता है सिफेलोकॉर्डेट, तीसरा आता है वर्टिब्रेट। यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट इन दोनों को कंबाइंडली हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज नहीं होती, वर्टिब्रेट के अंदर वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अभी देखिए केवल जो हम बोलते हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो केवल हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी ना बनाएगी, वो उसके साथ में स्कल भी तो बनाएगी, हमारे ब्रेन पार्ट को भी कवर करेगी, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम भी प्रेजेंट होता है ना, कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्रेनिएटा भी बोल रहे हैं, और इनको हम एक्रेनिएटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्रेनिएटा भी आप बोल सकते हो। चलिए यूरोकॉर्डेट्स जो है ये, इनको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई, हम इसकी स्टेज बना लेते हैं, हम एक लार्वा स्टेज बताने जा रहे हैं कि ये हेड है, ये ट्रंक है और ये टेल है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके अंदर जो इनकी
नोटोकॉर्ड होती है वो केवल इनका जो टेल पोर्शन होता है उस टेल पोर्शन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं, अगर मैं उसकी कोई लार्वा स्टेज बनाती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि उनके अंदर टेल से लेकर माउथ हेड पोर्शन जो है माउथ पोर्शन तक ये जो है एक्सटेंड रहती है नोटोकॉर्ड। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है। फिर अगर आप देखेंगे तो इनमें क्या होता है, मेटामोर्फोसिस होता है, हम ये बोलते हैं मेटामोर्फोसिस होता है, लार्वा जो होता है एडल्ट में कन्वर्ट होता है, बट रिट्रोग्रेसिव होता है, यानी कोई चीज की कमी हो जाती है उसको रिट्रोग्रेसिव बोलते हैं। किसमें होती है भाई ये कंडीशन, यूरो कॉर्डेट के अंदर ये कंडीशन होती है। तो ये टेल जो होती है वो गायब हो जाती है, तो एडल्ट जो होता है वो हम सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि एडल्ट के अंदर केवल इस तरीके से ये कंडीशन है, टेल अब्सेंट है। तो टेल अब्सेंट हुई तो नोटोकॉर्ड भी अब्सेंट हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा स्टेज यूरोकॉर्डेट के अंदर, ठीक है। और इनका एडल्ट फिर क्या करता है, चूंकि इनके चोरी हो गई है इनकी टेल की, तो वो कवर हो जाता है एक शीत के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका, इसलिए हम इनको ट्यूनिकेट्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, हार्डमानिया एंड पायरोसोमा है। पायरोसोमा इसलिए क्योंकि बहुत तेज तीक्ष्ण लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया। हार्डमानिया जो है ये एक्चुअल में अपने ग्रीन कलर के हम बोलते हैं कि ब्लड होता है, तो अपने रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से वेनेडियम जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वेनेनियम, तो इस वजह से हार्डमानिया बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बट वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, मैंने आपको यहां मेंशन करके बता दिया है। सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर ये अगर यही जो हम ये बोल रहे हैं कि जो एडल्ट है वही क्या होता है, जो लार्वा है एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बट वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, तो बट नोटोकॉर्ड भी क्या है पूरी उनकी, हम ये बोल रहे हैं कि एडल्ट में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एडल्ट में भी है और लार्वा दोनों के अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड है, तो हम बोलते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। लेंसलेट इनका जो कॉमन नेम है इसी वजह से, क्योंकि एडल्ट देखो इस शेप में आ जाता है ना, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, लैंसलेट, तीनों एक ही एनिमल के नाम है, तो ये भी याद रखिए तीन अलग अलग एग्जांपल नहीं है, एक ही एग्जांपल है ये। तो सिफेलोकॉर्डेट्स ये कहलाए, दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेट बोला। वर्टिब्रल कॉलम कन्वर्ट हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई नोटोकॉर्ड, तो वो आ गए वर्टिब्रेट्स, क्रेन ये टाइप ने इनको बोला है, इन्हीं के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो अगर आपको पता हो तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट जो होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, हार्ट फिर टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड कैसा भी हो सकता है, उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट आगे मेंशन करते हुए चलेंगे। चलिए वर्टिब्रेट्स को फिर जॉज की प्रेजेंस और अब्सेंस की कंडीशन पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथो के अंदर जॉज नहीं है, यहाँ पे ग्नेथो के अंदर क्या है, जॉज प्रेजेंट होते हैं। एग्नेथा के अंदर फिर हमारी क्लास आ जाती है, वो आती है साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम को हम अभी पढ़ेंगे आगे, और ऑस्ट्रिकोडर्माई जो है इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव है, वर्टिब्रेट्स अब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। फिशेज जो है एंड टेट्रापोडा, ये आगे फिर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है किसको, आपके ग्नेथोस्टोमा को, ठीक है। ग्नेथोस्टोमा जो है डिवाइड हुआ किस बेसिस पे हुआ, कि फिन्स प्रेजेंट है या फिर लिम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिन्स प्रेजेंट है तो फिशेज में आए, और लिम्स प्रेजेंट है तो टेट्रापोडा के अंदर। टेट्रापोडा को फिर हमने क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, फोर क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। फिशेज जो है वो है तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि स्टिल ये एग्जिस्ट कर रही है। प्लेकोडर्माई जो है वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है, तो ये मोस्ट प्रिमिटिव फिशेज थी, ये इवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं, तो मैंने नाम यहाँ मेंशन करके आपको बता दिया है, इवोल्यूशन में ही शब्द आएंगे। टेट्रापोडा जो है उसके अंदर हम चारों के चारों क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप अब देखोगे यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इकोलॉजी के अंदर घुसे हुए तो अगर देखेंगे तो देखिए फिशेज जो है उसकी कितनी स्पीशीज है, 20,000 है। अगर इनकी देखें तो स्पीशीज जो है वो कितनी है, सबकी अलग अलग है, 4,500 है मेमल्स की। तो सबसे ज्यादा स्पीशीज किस में देखने को मिलती है, टेट्रापोडा में, एव्स के अंदर। अगर हम इनके अंदर अगर कंपेरिजन करें फिशेज एंड टेट्रापोडा के, तो ज्यादा स्पीशीज किसके अंदर आएगी, ज्यादा स्पीशीज मेरे ख्याल से फिशेज के अंदर आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है, कि अगर आप इसको मेंशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ज्यादा जो होते हैं वो कौन होते हैं, पक्षी होते हैं, एव्स जो होते हैं वो ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में इकोलॉजिकली। फिर आ जाते हैं साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम वो है जिनमें जॉस प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सीन। मैंने ये थोड़ा डायग्राम जो चेंज कर दिया एनसीईआरटी का, क्योंकि इनके अंदर सर्कुलर माउथ होता है ना, तो उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। चलिए तो देखिए सबसे पहले कंडीशन की स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी, फिशेज जैसी लग रही है बट ये ट्रू फिशेज नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बट पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो दो तरह के फिन्स होते हैं, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। पेयर्ड जिसमें भी प्रेजेंट होंगे वही कहलाएंगे ट्रू फिशेज, ठीक है। यहाँ देखो फिशेज हैं, यहाँ पे फिन्स हैं, यहाँ पे डॉर्सल फिन्स हैं, और आप देखो कॉडल फिन भी है, लेकिन वो क्या होते हैं, ये अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, तो वो प्रेजेंट है, तो फिन्स है बट
पेयर्ड फिन्स नहीं है, स्केल्स इनके अंदर अब्सेंट होती है, स्केल्स का होना भी फिशेस का एक करेक्टर होता है, स्केल्स इनमें नहीं है, इस वजह से इनको हम ट्रू फिशेस नहीं बोलते हैं। फिर इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती है फॉर द रेस्पिरेशन। अगर आप जब पढ़ेंगे ट्रू फिशेस के बारे में, उनमें नंबर कम होता है, ठीक है। माउथ जो होता है वो सर्कुलर माउथ होता है, जॉ लेस होता है, सेक्टोरियल माउथ होता है, यानी कि ये क्या होती है, पैरासाइट हो सकती है, क्योंकि सक्सेशन के लिए सेक्टोरियल माउथ की प्रेजेंस जो होती है वो पैरासाइट का एक अडेप्टेशन है, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट होती है, दूसरी पैरा हम ये बोलते हैं जो फिशेज होती है उनके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहती है। एंडोस्केलेटन जो है इनके अंदर वो कार्टिलेजिनस होता है, और जब भी कार्टिलेजिनस की बात आएगी एंडोस्केलेटन किसी में है तो याद रखिए नोटोकोर जो होती है वो उसकी पूरी लाइफ में प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो तो होगी ही होगी क्योंकि वर्टिब्रेट्स है, बट नोटोकोर्ड भी प्रेजेंट होगी पूरी लाइफ के अंदर। तो ये जो चीज है ना उसको आप इससे लिंक करके याद रख सकते हो, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन के बारे में बात आती है तो समझ जाइए। तो ये जनरल फीचर्स हैं किसके, साइक्लोस्टोम के बारे में। एक इसके अंदर करेक्टर आपको और याद रखना है वो ये कि इनके अंदर जो लार्वा होता है वो एमोजिट लार्वा होता है। एमोजिट लार्वा जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि ओशियन जो होता है उसमें नॉर्मली रहते हैं, पर जहां पे रिवर गिरता है डेल्टा हम ये बोलते हैं जहां रिवर गिरती है, तो ये जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब इनको क्या करना होता है लार्वा जो स्टेज आ रही होती है यानी डेवलपमेंट हो रहा था, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये हम बोलते हैं ना एनाड्रोमस कंडीशन शो करते हैं। तो इनका क्या होता है कि जो फिशेज होती है वो जो फीमेल होती है वो क्या करती है रिवर के अगेंस्ट उसके मतलब कि मूव करके उस अलग डायरेक्शन में मूव करके यहां जाकर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, लार्वा जो है रिलीज करती है। एमोजिट लार्वा जो होता है वो हम ये बोल रहे हैं कि वहां पे फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है देन वापस ओशन यानी सी के अंदर वापस आ जाता है, बट जो फीमेल होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को एनाड्रोमस कंडीशन बोलते हैं जो कि इनके अंदर ये लार्वा जो होते हैं वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनके द्वारा शो की जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके हम बोल रहे हैं साइक्लोस्टोम के बारे में। फिशेज के बारे में बात करें तो इनके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों फिशेज प्रेजेंट होगी, बट यहाँ हमारे पास में दो इनकी क्लासेस है, एक है कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरी हमारे पास में आ जाती है ऑस्टिक्थीस, ठीक है। तो एक हमारे पास में है कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरी हमारे पास में आ जाती है ऑस्टिक्थीस। चलिए अब दोनों के बारे में डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्ड्रिक्थीस जो होती है अगर आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, दोनों को ही ये कॉन्ड्रिक्थीस बना दिए, ये ऑस्टिक्थीस, करेक्टरिस्टिक्स याद करवाने की कोशिश है। कॉन्ड्रिक्थीस जो होती है इनके अंदर जो है हम ये बोलते हैं कि माउथ जो होता है इस तरह से नीचे की तरफ होता है, वेंट्रली होता है, जबकि इनके अंदर क्या होता है टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर आप इनके अंदर कॉडल फिन की बात करोगे तो कॉडल फिन जो होती है वो किस तरह से होती है हिट्रो सर्कल होती है, जबकि ऑस्टिक्थीस जो होती है उनके अंदर कॉडल फिन जो होती है वो होमो सर्कल होती है, इस तरह से इक्वली होती है ना, दोनों फिन्स का जो साइज है इक्वल होता है। यहां देखोगे एक लंबा एक छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं हिट्रो सर्कल, हिट्रोसर्कल फिन्स होती है इनकी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इनके अंदर बात करते हैं किसकी, गिल स्लिट्स की, तो 4 to 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, बट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ओपरकुलम। तो ऑस्टिक्थीस जो होती है उनके अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, ओपरकुलम एक कवरिंग है जो गिल स्लिट्स को कवर करके रखती है, जबकि इनके अंदर गिल स्लिट्स जो होती है वो इस तरह से डायरेक्टली हमें ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होती। इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप इसके अंदर फिन्स अगर बनाओगे तो आप फिन्स बना सकते हो कि इसके अंदर हम बनाएंगे, अगर ये आपके हम बोल रहे हैं कि पेक्टोरल फिन्स है और पेल्विक फिन्स है तो आप उनको बना सकते हो, डोर्सल फिन्स जो होते हैं वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज को आप शो कर सकते हो। बट इनमें जब स्केल्स की बात करते हैं तो ऑस्टिक्थीस जो होती है इनके अंदर जो स्केल्स प्रेजेंट होती है वो साइक्लोइड स्केल्स होती है, टीनोइड भी बोल सकते हैं, गेनोइड स्केल्स भी बोल सकते हैं, साइक्लोइड स्केल्स इस तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोइड। बट इनके अंदर जो स्केल्स होती है वो प्लेकोइड स्केल्स होती है, इस तरह से स्केल्स होती है, प्लेकोइड स्केल्स होती है। तो प्लेकोडर्माई शायद प्लेकोडर्माई से कॉन्ड्रिक्थीस आए होंगे, तभी प्लेकोडर्माई देन कॉन्ड्रिक्थीस एंड देन ऑस्टिक्थीस आता है, ठीक है। तो इनमें प्लेकोइड स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लेकोइड स्केल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं, और इस तरह से हम ये बताते हैं कि टीथ जो होते हैं उनके अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इनमें ट्रू टीथ जो होते हैं, ट्रू टीथ की बात करें तो वो अब्सेंट होते हैं, जबकि ऑस्टिक्थीस के अंदर हम बोलते हैं होमोडोंट कंडीशन होती है, ट्रू टीथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रू टीथ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर फिर हम बात करते हैं अगर इनकी, तो क्योंकि इनके अंदर क्या है टिथ जो है वो इस तरह से है, तो ये प्रीडेटर्स होती हैं, है ना, ये भक्षण करने वाली होती है, इनमें ऐसी कंडीशन नहीं होती है। फिर अगर हम इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एयर ब्लेडर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर ऑस्टिक्थीस के अंदर, ये एयर ब्लेडर है जो उसके इसोफेगस वाला हिस्सा जो है वहां पे प्रेजेंट रहता है,
ये एक्चुअल में इसमें बॉयंसी मेंटेन करके रखता है, तो इनको कंटिन्यू तैरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि कॉन्ट्रैक्ट फेज जो होती है उसके हम अगर एलिमेंट्री कैनाल अगर मैं बनाऊं तो उसके अंदर कोई भी एयर ब्लेडर जैसी कंडीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। बट यहां पर क्या होता है, स्पाइरल शेप में इस तरह से स्क्रॉल प्रेजेंट होते हैं ताकि ये इनकी जो एलिमेंट्री किनार है ना वो पिचक ना जाए, तो स्क्रोल्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? कॉन्ड्रिक्टीज के अंदर स्क्रोल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। दोनों ही क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, बिल्कुल दोनों ही कोल्ड ब्लडेड है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल्स आपको याद रखना है। उसी के साथ में कॉन्ड्रिक्टीज फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो करती है, विविपरस होती है, जबकि ओस्टिक्टीज जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल शो करती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर एग्जाम्पल याद रखेंगे तो कॉन्ट्रिक्टीज के एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन डॉगफिशेस, परसिस्ट जो है वो इसका एग्जाम्पल है, देन ये कार्चेरोडॉन टर्पिडो, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। ऑस्टिक्टीज के अंदर हमारे पास में कई वेराइटी है, जैसे मरीन भी आती है, फ्रेश वाटर भी आती है, और एक्वेरियम की आती है, जैसे बेटा है और ये टेरोफाइलम है, ये सारी क्या है एंजल फिश जिसको हम बोलते हैं, ये एक्वेरियम की फिशेज होती है। ठीक है, तो आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो। हिप्पोकैम्पस जो है ये अकेली ऐसी फिश है जो इस तरह से वर्टिकल जो होती है वो मूव करती है। ठीक है, वैसे इसके आगे जो है ना एक पाउच भी होता है, इनका मेल जो होता है ना, मेल क्या करते हैं, मेल के उस पाउच के अंदर क्या करती है, फीमेल अपने अंडे, हम ये बोलते हैं कि अंडे दे जाती है, तो वो डेवलपमेंट जो होता है ना और उसकी टेक केयर जो होती है, वो ध्यान जो रखना होता है, वो सब कौन रखता है, आपका हिप्पोकैम्पस का मेल जो होता है ना वो रखता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, आप इनको याद रख सकते हो। बाकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे इलेक्ट्रिक रेज है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन की प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये जो करेक्टर है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, अभी आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारी क्लास आ जाती है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है ये जो है, इनको एम्फीबियंस इसलिए बोला गया क्योंकि एक्वेटिक और एक्वेटिक के साथ साथ में हम ये बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो डुअल लाइफ अपनी शो करते हैं इस वजह से। फिर अगर आप देखोगे एम्फीबिया में पूरा में 90% अगर हम देखें तो वो सारे के सारे फ्रॉग ही है, उसके अलावा कुछ ही वेराइटीज हमें और मिलेगी देखने के लिए। एग्जाम्पल में आ जाते हैं जैसे बुफोराना, हाइला, सेलामेंडर, इक्थियोफिस, ये दोनों हम एग्जाम्पल लेना अच्छा है। रीजन ये है कि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इक्थियोफिस जो है उनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि सिलामेंडर में इन सब में देखोगे तो आप देखोगे 4 pair ऑफ लिम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक तो हम फिशेस की बात कर रहे थे, तब तक क्या थी, फिन्स प्रेजेंट थे, बट ये भी टेट्रापोडा स्टार्ट हो गया, इनमें लिम्स प्रेजेंट होते, बट फिर भी स्टिल कुछ हमारे पास में एग्जाम्पल है, जैसे इक्थियोफिस है तो इनके पास में क्या होते हैं, लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट शो करते हैं। बॉडी जो होती है वो इनकी डिवाइडेड रहती हैड एंड ट्रंक के अंदर, ये देखिए हेड पोर्शन है और ये इनके ट्रंक है, कुछ के अंदर टेल्स भी हो सकते हैं, जैसे टेल भी होती है, जैसे कि सेलामेंडर जो है इनमें टेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर हो जाता है, यूरोडेला इनका एक ऑर्डर है जिसके अंदर सब में टेल प्रेजेंट होती है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि 2 pairs ऑफ लिम्स जो है वो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, इक्थियोफिस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी बॉडी जो होती है उनके ऊपर स्केल्स जो होते हैं, है ना, वो स्केल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, बट कुछ में हिडन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वही अगेन इक्थियोफिस जो आ जाता है हमारे पास में। कैल्सिलियंस जो है वो उसके अंदर सब में क्या होते हैं, हिडन स्किन के अंदर स्केल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, बट ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये इनके आईज प्रेजेंट होती है और आईज के ऊपर आई लिड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। 10 pair ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, और अगर हम ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर इनमें प्रेजेंट नहीं होता। अगर फ्रॉग का डायग्राम देखोगे तो उसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है, टिम्पेनम जो होती है वही रिप्रेजेंट करती है ईयर को। ठीक है, एम्फीबियंस की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, देखो गिल्स के थ्रू जो है ना, ये हम ये बोलते थे कुछ लार्वल स्टेजेस के अंदर जो है ना वो गिल्स के थ्रू होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ रेस्पिरेशन में गिल भी मेंशन करते हैं, नहीं तो लंग्स होते ही है। हार्ट जो होता है वो 3-chambered हार्ट होता है, अगर फिशेस की बात करें तो वहां 2-chambered हार्ट होता है। ठीक है, 3-chambered हार्ट का मतलब है कि मैं हार्ट को इस तरह से बना देती हूँ, ये अगर 2 ऑरिकल है और 1 क्या है वेंट्रिकल है, तो ये ऑरिकल हो गया, ये ऑरिकल हो गया और ये क्या है वेंट्रिकल है, सिर्फ याद करने के लिए, बड़े अच्छा सा चेहरा बन गया ना। चलिए आगे, फिर हम बात करें कि इनके एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर वो सभी जो है ना एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसको क्लोएका बोलते हैं। ये देखिए, ये हम लोग डायग्राम जो लेके आए ना, फ्रॉग का डायग्राम लेके आए, आपके एनसीईआरटी के अंदर ही दिया गया है। अगर इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी आपकी इसी में ओपन हो रही है, रिप्रोडक्टिव जो है वो भी इसी के अंदर ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लेडर जो है, यूरेटर जो है, किडनीज जो है वो भी इसी में ओपन हो रही है। तो आप देखोगे क्या कि क्लोएका ये एक चैम्बर है, उस चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं, एक कॉमन चैम्बर बोल रहे हैं, तो क्लोएका की प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपको वैसे याद करना ही है। लार्वा इनमें पाया जाता है, आपको याद होगा।
फ्रॉग का लार्वा, टेडपोल लार्वा, ठीक है। फिर आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रीपिंग करते हैं, है ना, ये जो है इनके अंदर ये क्रॉलिंग करते हैं लोकोमोशन के लिए, इनके अंदर लिम्ब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और हम बोल देते हैं कुछ के अंदर जो है वो अब्सेंट भी होते हैं, तो दोनों ही कंडीशन है। लिम्ब्स फोर पेयर हम ही बोलते हैं, टू पेयर ऑफ लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं और नहीं भी होते, दोनों ही कंडीशन होती है। बट ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है। इसके अलावा पाइकिलो थर्मस ये होते हैं, कुछ एग्जांपल है कैमिलियन, क्रोकोडाइल, हेमीडेक्टाइल्स छिपकलियां वगैरह जो होती है, और जो आपके सांप वगैरह जो हैं पॉइजनस नॉन पॉइजनस सभी इसी के अंदर आ जाते हैं, टेस्टुडो वगैरह, ये टर्टल्स वगैरह भी इसी के एग्जांपल है। चलिए ये देखिए आपके एनसीईआरटी ने दिए गए डायग्राम है, कैमिलियन है, क्रोकोडाइल है, चिलोन है, नाजा है, ठीक है। अगर इनके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके ऊपर जो है स्केल्स एंड स्क्यूट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप सांप बनाते हो तो उसके ऊपर इस तरह का करेक्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, चलो डायग्रामेटिकली अलग देख लेते हैं, इस तरह से चीज बनाते हो कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इनपे स्केल्स एंड स्क्यूट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये स्किन कास्टिंग शो करते हैं, यानी कि ये अपने जो पूरी की पूरी स्किन होती है उसको उतार के फेंक देते हैं, तो ऐसा होता है। फिर वही एक्सटर्नल ईयर जो है इनमें भी क्या है, प्रेजेंट नहीं होता है, टिम्पेनम ही यहाँ पे ईयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद में हार्ट जो होता है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ये चीजें याद करने वाली है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है दो ओरिकल एक वेंट्रिकल, फोर चैम्बर्ड का मतलब है दो ओरिकल एंड दो वेंट्रिकल, चारों प्रेजेंट होते हैं। स्कल जो होता है वो मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, मोनोकोंडाइलिक और दो कोंडाइल डाइकोंडाइलिक दो तरह के स्कल्स हो सकते हैं। स्कल मोनोकोंडाइलिक का मतलब ये हुआ कि 360 पूरा रोटेट हो सकता है, उसको हम मोनोकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। डाइकोंडाइलिक के अंदर क्या होता है, केवल जो स्कल होता है वो सिर्फ इतना ही रोटेट हो पाता है, उसको हम डाइकोंडाइलिक बोलेंगे, इनमें मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, ठीक है। क्लोएका इनमें भी प्रेजेंट है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपैरासाइट डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होता है रेप्टाइल्स के अंदर। चलिए नाउ एव्स, एव्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एव्स में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। एव्स जो है अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो पहली बात तो इनके अंदर जो इनके आगे के जो लिम्स होते हैं वो जो है हम ये बोलते हैं उड़ने के लिए जो है अब फ्लाइट लेने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के अंदर, ठीक है। फिर अगर हम इनकी टिथ की बात करें तो इनके जो जॉज होते हैं वो क्या होते हैं कि मॉडिफाइड हो जाते हैं बीक के अंदर, तो ये जो है जॉज जो है वो मॉडिफाइड हो गए बीक के अंदर, टीथ इनके अंदर अपसेट होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इनके क्रेनियल नर्व्स की बात करें जो हम बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अगर हम बात करते हैं ना इन लिम्स के बारे में, तो इनके अंदर जो फोर लिम्स होते हैं उनके पीछे की तरफ जो होते हैं हम फोर लिम्स के अंदर, इनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इनकी टेल पोर्शन होती है इस टेल के अंदर हम बोलते हैं प्रिन ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्लाइट के लिए जो है कई मॉडिफिकेशन शो करते हैं, जैसे कि इनकी क्लेविकल्स जो होती है वो वी शेप फर्कुला जो है उसको फॉर्म कर लेती है, एक बहुत बड़ी, अगर आप यहाँ पे इस एरिया में अगर मैं बनाऊँ तो इस तरह से बहुत बड़ी कील शेप के अंदर क्या होती है इनके अंदर जो है कील शेप के अंदर इनके अंदर बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, इनके अंदर सिन सेक्रल बोन प्रेजेंट होती है जो फ्लाइट के लिए इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। बाकी इसके एलिमेंट्री कैनाल में एक एक्स्ट्रा चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना, क्रॉप इस तरह से एक चैम्बर होता है जिसके अंदर फूड जो है वो स्टोर रहता है, तो क्रॉप एक चैम्बर जो होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। बोन्स इनकी होलोड बोन्स होती है, तो पक्षी जो होते हैं या एव्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम क्लियर कट याद हो जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स नेफ्रॉन्स, स्तुर्तियो और आपके पिस्टेकुला, पेवो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मेमिलिया। मेमिलिया जो है इनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये इनका सबसे पहला करेक्टर है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ये इनका सबसे पहला करेक्टर है। फिर उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं कि इनके लिम्स के बारे में, तो हम बोल रहे हैं बिल्कुल फोर पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, कुछ में मॉडिफाइड भी रहते हैं, विंग्स जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, इनके जो जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफिकेशन शो कर लेते हैं, जैसे कि टेरोपस के अंदर ऐसा ही होता है, और लेनोप्टेरा जो है इनके अंदर जो है इनके अंदर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। मेमिलिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इनके क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि इनके अंदर जो है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होती है प्रेजेंट होती है, राइट। इनका जो स्कल होता है वो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, तो मेमिलिया के अंदर जो स्कल है वो कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है। इसके अलावा ईयर की बात करें तो कंप्लीट ईयर प्रेजेंट होता है ना, तीनों हड्डियां और तीनों अस्थियां जो है ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है। फिर अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है मेमिलिया के अंदर, उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन होती है उस पर सीबेसियस ग्लैंड्स, यानी कि जो पसीना डेवलप करती है ना, स्वेट जो डेवलप करती है वो ग्लैंड्स जो होती है वो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है।
फिर अगर हम बात करते हैं क्लोएका की, तो क्लोएका इनके अंदर क्या होता है, अपसेट होता है, और इनके अंदर हम बोलते हैं कि जो इनका ब्रेन होता है उसके अंदर कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं वो जुड़ते हैं, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने ब्रेन की याद होगी तो कार्पस कैलोसम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है एक्चुअल में, जो हम बोलते हैं कि जो दो हेमिस्फेयर्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही आपके लिए बहुत है, आगे डिटेल में फिर हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो जो मेमिलिया हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने बहुत ही आसान है। मेमरी ग्लैंड इनके अंदर प्रेजेंट है, क्लोएका इनके अंदर अब्सेंट है, और इनके बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यही सारे करेक्टर हम कंपैरेटिवली लेके चल रहे हैं, तो मेमिलिया के करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से, कुछ एग्जाम्पल यही है। ऑर्निथोरिनकस, मैक्रोपस, मैक्रोपस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्सुपियल्स होते हैं ये, मार्सुपियम इनके अंदर एक पाउच होता है जिसके अंदर ये अपने बच्चे जो होता है, बेबी जो होता है उसकी उसको उसका नरिशमेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एक पर्टिकुलर एरिया पर ही क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेमिलिया के जो आपको याद रखने हैं, और ये हैं फिर आप लोगों के लिए फॉलोअप क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना है मेरा पूरा चैप्टर तो आप इनके आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलिए, और इनके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हमें पता चले कि आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।